परमीशं विविधौषधीनां न तु हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखानां प्राणिनां अर्थिनाशनम्। हे भगवान धनवंतरी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अपूर्वाकांत जी आपको हमारी आवाज़ में कोई डॉक्टर अपूर्वाकांत डॉक्टर अवनीश जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, है ना? जी सर। और आप रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। हेलो डॉक्टर पुरैया सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? सबको प्रणाम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अपूर्वा, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी अश्योरेंस गाजियाबाद से। आज के हम वेबिनार कर रहे हैं, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज करंट सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वुमेन हेल्थ इन करंट सिनेरियो। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो कोरोना वायरस है, वर्ल्ड वाइड पैंडमिक है। सरत में भी एक चैप्टर में जनपदों ध्वंस को डिस्क्राइब किया गया है जो कि मे भी रेफर करता है इसी तरह के कोई पैंडमिक्स को। यही हमें एक्चुअली गाइड करता है जब आजकल आयुष डिपार्टमेंट या प्रधानमंत्री जी या जो भी है, जहाँ पे भी है, सब जगह पर इस चीज को कहा जा रहा है कि आप अपनी दिनचर्या फॉलो करें, मेडिटेशन करें, होममेड मील्स लें। चाइना में भी जो भी इन्फेक्शन कंटेनमेंट हुआ है, मैं एक जर्नल पढ़ रही थी तो उसमें था कि उन्होंने भी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन अडॉप्ट किया, तो उनका भी रोल ओवरलुक नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट अडॉप्ट आयुर्वेद एंड आयुष आयुष थेरेपीज। ये टाइम है हमें आयुष को मेन स्ट्रीमिंग में लाने का, इन अदर इन ऑल सिस्टम्स ट्रांसफॉर्म करने का, इंडियन हेल्थ केयर और डिमॉन्स्ट्रेट करने का पोटेंशियल टू ऑल द हेल्थ सिस्टम्स इन एड्रेसिंग चैलेंज एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। तो विदाउट हम कोई भी टाइम अपना वक्त जाया करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे हैं सर डॉक्टर के द्विवेदी, जो संपर्क प्रमुख हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, मैं सर को वेलकम करती हूँ और प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी कि वो इस वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए कुछ अपने जो भी शेयर करना चाहते हैं। अपूर्व प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए आप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अपूर्व। हाँ, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करूं? नहीं, ठीक है। डॉक्टर के द्विवेदी सर, संपर्क प्रमुख के द्विवेदी सर, डॉक्टर के द्विवेदी सर, प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर। यस सर। धन्यवाद अवनीश जी, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो नेशनल वेबिनार ऑन वुमेन हेल्थ इन करेंट सिनेरियो है, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे गुरु प्रोफेसर मैडम पीवी तिवारी जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर अशोक वासणे जी जो हम लोगों के प्रतिपालक भी हैं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं डॉक्टर अंजना और डॉक्टर अवनीश जो इस कार्यक्रम को इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही समसामयिक विषय पे चिंता हो रही है। 50% आबादी की चिंता की गई है, और अभी तक पिछले 2-3 महीने के सेमिनार में मैंने बहुत कम ऐसे विषय देखे जो महिला आधारित हो। निश्चित रूप से इस कोविड के काल में इस आधी आबादी पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और स्पेशली जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनके संदर्भ में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। लोगों ने अपने को ढालना भी शुरू कर दिया है, और ये कठिनाइयां कुछ विशेष जगहों पे हैं। जहां पर संयुक्त परिवार है वहाँ पे ये कठिनाइयाँ थोड़ी कम हैं, लेकिन जहाँ एकल परिवार है वहाँ पे चिंता इसकी ज़्यादा है। ये माना जा सकता है कि समाज में महिलाओं का स्थान एक घर के स्तंभ की तरह है, एक धुरी की तरह है, और उसकी चिंता हमें करनी चाहिए।
हमारे यहाँ दो चीजें कही गई हैं, एक दर्शन और एक प्रदर्शन। मुझे लगता है कि जो भारतीय दर्शन रहा है उससे हट करके हम प्रदर्शन की तरफ ज्यादा केंद्रित हो गए हैं। हमारे घर में क्या है ये देखने की चिंता तो ज्यादा रहती है, लेकिन हमारे घर के लोगों का वातावरण कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता कैसी है, ये थोड़ा हम देखने में कम पा रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है कि महिलाएं जो हैं सबसे सशक्त होते हुए भी सबसे अंत में खाना खाती हैं, बचा तो खाया, नहीं बचा तो नहीं खाया। और ये बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ जो कुपोषण की कठिनाइयां रही हैं वो महिलाओं में ज्यादा रही हैं। निश्चित रूप से यदि हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों का पालन करें तो महिलाओं के स्वास्थ्य पे हम एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है। और मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी वक्तागण हैं, जो भी लोग हैं, उन सबका एक बार स्वागत। और मैं समझता हूं कि आप लोग एक दिशा निर्देश जारी करेंगे अपने इस वेबिनार के माध्यम से, और हर घर तक, हर महिलाओं तक उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना हम कर पाएं, ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया था, मैं पुनः शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सही आपने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है बहुत सारे वेबिनार्स में, जबकि इम्पोर्टेंट है। हर घर में अगर हम देखें तो हमारी माताएं, बहनें और फीमेल हेल्थ के लिए, हमने पहले जो किया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ये चीज़ कि मोस्ट नेग्लेक्टेड हम होते हैं, या हम खुद ही अपनी केयर नहीं करते, हम अपने आप को ही नहीं सोचते हैं कि हमें दिखाना चाहिए, हमें डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए या हमें मेडिकल केयर सीख करनी चाहिए। तो इसीलिए इसी पर्पस से ये वेबिनार सेशन अरेंज किए गए, जिससे कि ज़्यादा से लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिना हिचक के। इसी के क्रम में मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी डॉक्टर इंद्रनील बासु सर को, वो प्रेसिडेंट हैं आरोग्य भारती काशी प्रांत से। वो वेलकम स्पीच देंगे और थोड़ा सा इस वेबिनार के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर इंद्रनील बासु सर, प्लीज। अवनीश, डॉक्टर इंद्रनील बासु सर, सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? डॉक्टर इंद्रनील बासु सर को अनम्यूट कीजिए जिससे कि वो अपने बात कह सके। वो इसमें प्रेजेंट हैं अवनीश, आप खुद ही म्यूट हो। हेलो, हाँ जी, अभी अनम्यूट हो गया, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आप सभी वेबिनार को जो अटेंड कर रहे हैं उनको मेरा हार्दिक स्वागत, खासतौर पे हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय श्री अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब के विचार सुनने के लिए हम लोग लालायित रहेंगे। और हमारे आज के काफी सुलझे और एजुकेटेड वक्ता हैं जो डॉक्टर द्विवेदी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको भी हम लोग सुन करके कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करें। आरोग्य भारती एक नेशनल लेवल की संस्था है जो पूरे समाज के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, और हमारा मोटो है स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ गाँव और स्वस्थ राष्ट्र। राष्ट्र के आगे स्वस्थ विश्व का भी सोचना हमारा फर्ज बनता है। और पूरे विश्व में अभी जो महामारी फैली हुई, भारत देश में छूटा नहीं है, और समाज के विभिन्न वर्गों को ये झकझोरने में कामयाब रहा है, धीरे धीरे अपने इच्छा शक्ति से उससे उभर रहे हैं। और इसके दो पहलुओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति महिलाओं के संदर्भ में और स्वस्थ समाज भी महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि महिलाएं हमारे देश 48% जनसंख्या है लगभग आधी, और वो अगर स्वस्थ रहेंगी तो आधी जनसंख्या हमारी स्वस्थ रहेंगी, वो अस्वस्थ रहेंगी तो हमारा
समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि महिलाओं का जिम्मेदारी समाज ने अपने घर को स्वस्थ रखती है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखती है, घर की अर्थनीति देखती है, घर का स्वास्थ्य देखती है, घर का किचन देखती है, बच्चों की पढ़ाई देखती है, तो मल्टीटास्किंग अगर कोई करती है तो हमारे देश की महिलाएं। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कुछ ऐसे खास रोग होते हैं, कुछ आवश्यकताएं भी उनके स्वास्थ्य की अलग होती है। मासिक धर्म हुआ, गर्भावस्था हुआ, प्रसव, रजोनिवृत्ति जैसी जैविक चरणों का अनुभव सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, और कुछ स्त्रियों संबंधी खास समस्याएं हैं जैसे अनियमित पीरियड्स, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, पीसीओडी, एडेनोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड एक्सेट्रा। तो ये कोरोना वायरस के महाकाल में घर में रह जाने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी महिलाएं डॉक्टरी सलाह लेने से महरूम हुई हैं। अभी भी बहुत मैं देख रहा हूँ कि लेडीज लोग जो भी आ रहे हैं हमको दिखाने, गांव से जेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन लेडीज निकल कर नहीं आ रही, कम आ रही है, तो उनका स्वास्थ्य काफी निग्लेक्ट हो रहा है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल समय में तो महिलाओं को फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन कोरोना के महामारी के समय कुछ और ज्यादा फॉलो करना चाहिए, जैसे कि दूसरों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और डाइट का ध्यान रखते हुए अपना हेल्दी डाइट वो नहीं ले पा रही है। अधिक से अधिक उनको फल और सब्जियां खानी चाहिए, साबुत अनाज घर में बनानी चाहिए, और गेहूं, पिसा हुआ गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिए, आटे का नहीं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, नमक, सैचुरेटेड फैट्स ये कम करने चाहिए उनके डाइट में, क्योंकि तो सिर्फ वो नहीं खा रही है, पूरे परिवार को खिला रही है, तो सबका डाइट का ध्यान रखना भी उनको उतना ही जरूरी है। कोरोना काल घर का काम करते करते महिलाएं अपने व्यायाम को निग्लेक्ट करती हैं, किचन में काम करती है, थोड़ा बहुत इधर घूमती है, घर में घूमती फिरती रहती है, लेकिन उससे रेगुलर व्यायाम नहीं कहते हैं। कहना चाहिए कि 30 मिनट प्रतिदिन हफ्ते में 5 दिन कम से कम उन्हें नियमित ब्रिस्क वॉकिंग यानी चलना चाहिए, और ताकि मांसपेशियों का हेल्थ ठीक ठाक रहे, हड्डियां मजबूत रहे। अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में घर में ज्यादा रहने की वजह से टहल न करने की वजह से, खान पान के अनियमितता की वजह से काफी लोगों का वजन बढ़ रहा है, वो वजन नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो काफी देखा गया है लॉकडाउन के समय हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अपना वजन घटाएं, उसके लिए व्यायाम भी करें। कुछ और अगर समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाने से परहेज न करें, अपने घर के बाकी सदस्यों को कहें कि उन्हें डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ताकि उनके स्वास्थ्य का चेकअप भी नियमित तौर पर होता रहे। सबसे जरूरी है, लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं घर की, समाज की, हर एक चीज की, कि उनके अंदर तनाव होना बहुत स्वाभाविक है, और खास तौर पर कोरोना के समय में स्वास्थ्य जनित संबंधों की वजह से और इकोनॉमी गड़बड़ाने की वजह से, घर का इकोनॉमी गड़बड़ाने की वजह से काफी तनाव हो रहा है, बाकी सदस्य भी चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो महिलाओं का तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आजकल। अगर आप स्ट्रेस को कम कर सके तो बहुत बेहतर होगा, इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। छोटे छोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ 2-4 पॉइंट। मेडिटेशन करें, योग और योगासन पर विशेष ध्यान दें, रोज जरूर प्राणायाम करें, गहरी सांस के कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं उन्हें लें, व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें, गाना सुने, लोगों से बातचीत करें, गपशप करें, अपने मन को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखें, अपने हॉबीज करें सकारात्मक, जो भी आप करना चाहते हैं, व्यंजन नए बनाएं, कुछ नए सीखें, नई भाषाएं सीखें, नए व्यंजन सीखें, नए गाने गाने का प्रयास करें, इस तरह अपने मन और शरीर को ऑक्यूपाइड रखना पड़ेगा आज के कोरोना काल में, क्योंकि बहुत दिनों तक चलने वाला है ये। किस तरह लॉकडाउन चलेगा नहीं चलेगा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये माहौल जो है बीमारी का वो लंबा चलता रहेगा, और खासतौर पर महिलाओं के लिए हम लोग बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो अपने विचार व्यक्त समाज में कम कर पाते हैं, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपने विचार व्यक्त करें और समाज को आगे ले जाएं। इन्हीं बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड वर्थ था सुनना और समझना, इम्प्लीमेंट करना। मैं एक एक शब्द के लिए और एक एक लाइन के लिए विद इनवर्टेड कॉमास बोलूंगी कि सबको बिल्कुल ध्यान में दें सारे कुछ चीजें, बिकॉज एक एक वर्ड उसमें बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के करंट सिनेरियो में, जो हमारा टॉपिक भी है कि करंट सिनेरियो में वुमेन हेल्थ।
बात कहना, अपनी बात समझाना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. जो मैं पहले भी बोल रही थी कि हमेशा फीमेल जो हैं वो आउटकम से घबरा जाती हैं या वरिड रहती हैं, एक स्टिग्मा है उनके दिमाग में, वो बिलीव नहीं कर पाते या वो ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते. तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. नेक्स्ट हम इसी में इन्वाइट करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार वॉशने सर को. नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं वो आयोग भारती से. सर प्लीज आप भी कुछ प्रकाश डालें आज के वेबिनार के ऊपर, आज के टॉपिक के बारे में. डॉक्टर अशोक कुमार वॉशने सर, ओवर टू यू. जी भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. डॉक्टर अशोक कुमार वॉशने भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और भाई साहब के मार्गदर्शन में ही हम लोग 2012 से निरंतर भारती के द्वारा स्वास्थ्य के लिए. मैं ऐसे माननीय डॉक्टर अशोक भाई जी को आमंत्रित करता हूँ कि भाई साहब आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें. डॉक्टर अशोक भाई साहब, इस वेबिनार में उपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के संपर्क प्रमुख डॉक्टर कमलेश कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी काशी प्रांत के आरोग्य भारती के अध्यक्ष हैं, पैनलिस्ट में प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी जी बहुत सीनियर प्रोफेसर एंड हेड रही हैं, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी कानपुर से हैं, डॉक्टर अंजना सक्सेना जी काशी से ही हैं, प्रोफेसर भारती कुमार मंगलम जी एनआईए जयपुर से हैं, डॉक्टर सुनीता सुमन जी आईएमएस से हैं, डॉक्टर शशि शर्मा जी लखनऊ से हैं, डॉक्टर दीपा मिश्रा जी दिल्ली से हैं और जो संचालन कर रही हैं डॉक्टर अपूर्वा कंठ जी, और मैं डॉक्टर एसएस बेदार जी को भी देख रहा था. सभी को नमस्कार. वास्तव में मैं तो सुनने के लिए बैठा था, मुझे इसके बाद वाली वेबिनार में उपस्थित रहना है, तो मेरी इच्छा थी मैं सभी को सुनता, लेकिन मेरे से कहा गया कि आप भी कुछ दो शब्द बोलिए, तो मुझे दो तीन बिंदु ध्यान में आते हैं. आजकल वेबिनार हो रहे हैं अर्थात ये एक तरह की एकेडमिक एक्टिविटी है. कई बार वेबिनार में ऐसे विषय आ रहे हैं कि केवल एकेडमिक रहते हैं, पुस्तकीय ज्ञान रहता है. मुझे लगता है वेबिनार केवल इतने भर के लिए नहीं है, इसके साथ साथ कॉमन मैन के लिए जिस विषय पर वेबिनार है वो कैसे काम कर सकती है, कैसे लागू होती है, कैसे यूजफुल है उनके लिए, ये कॉमन मैन को ध्यान में रखकर प्रेजेंटेशन होगा तो शायद अधिक उपयोग होगा. जहां तक महिला स्वास्थ्य के बारे में विषय है तो महिला स्वास्थ्य का रोल, महिलाओं का रोल मनुष्य स्वास्थ्य में बहुत बड़ा है. अभी दोनों तीनों वक्ताओं ने बताया है, मैं केवल एक वाक्य में कहूंगा कि व्यक्तिगत उनके अपने लिए एक रोल है, परिवार के अंग परिवार को संभालने के लिए एक दूसरा रोल है, और एक तीसरा रोल है कि बचपन से लेकर के बच्चे का विकास करना, सारी कुछ चिंता करना, यह एक तीसरा रोल है. तो स्वयं का स्वास्थ्य से लेकर के परिवार के स्वास्थ्य तक और बचपन से लेकर के बड़ी आयु होने तक ये सब काम महिला के जिम्मे रहते हैं. और इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कभी भी चर्चा होगी तो महिला के रोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए. आरोग्य भारती में इसी विषय को ध्यान में लेकर एक महिला कार्य विभाग ही है और इसीलिए उनसे संबंधित विषयों का ही की जानकारी दी जाती है, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके मॉड्यूल्स तैयार करते हैं, उनके लिए कार्यकर्ता तैयार करते हैं, उनके लिए साहित्य तैयार करते हैं. तो होम रेमेडीज उनसे सीधे जुड़ा है. गर्भ संस्कार आज के समय की सर्वाधिक आवश्यकता हो गई है. फर्स्ट एड जो घर के अंदर आवश्यकता रखती है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. किशोरी विकास, यह महिलाओं के लिए ही उपयुक्त, वही ज्यादा अच्छे प्रकार से कर पाते हैं.
मेडिसिनल प्लांट्स भी हमारे यहाँ बहुत हैं, जिनकी जानकारी रहे तो अच्छा रहेगा। योग यह भी एक पहलू है, और इसीलिए ऐसे सब विषयों को जोड़कर और कुछ विषयों को जोड़कर आरोग्य भारती में पूरे देश भर में महिला स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर काम होता है, प्रशिक्षण होता है, टीमें खड़ी हैं। आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 40 में से एक 33-34 प्रांत ऐसे हैं कि जहां पर महिलाओं की एक अच्छी टोली सक्रिय है। और एक पहलू मेरे ध्यान में आता है कि जैसे मैंने वेबिनार के बारे में कहा, वैसे ही हम यहां पर जो एकेडमिक चर्चा करते हैं, जैसा अभी शायद इंद्रनील जी या कमलेश जी चर्चा कर रहे थे कि इस वेबिनार का आउटकम एक ऐसा आना चाहिए कि सामान्य महिला अपने जीवन में प्रयोग कर सके, काम कर सके। मैं एक उदाहरण ही देता हूं। रतलाम में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर लीना जोशी जी, वे भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर रही हैं, लेकिन पिछले काफी वर्षों से वे किशोरी स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं। उनके उस सेवा कार्य को देखकर भारत सरकार ने इस वर्ष उनको पद्मश्री उपाधि से भी अलंकृत करने की घोषणा की है। अब एक बार मैं रतलाम में चुका, उनका केंद्र है, मैं वहीं पर था, तो उन्होंने एक सरल फॉर्मूला निकाला, 12-12-12। अब किशोरी विकास को उनको समझाना है, 12 वर्ष की आयु के बाद कितना हीमोग्लोबिन चाहिए, कम से कम 12 हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। तो लोगों को ध्यान में आता है ये कक्षा 12 के बाद, तो ऐसे ये जो सरल फॉर्मूले हैं ये कैचवर्ड बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जो वक्ता बोलने वाले हैं वो ऐसे कुछ सरल बिंदु देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और एक पहलू मैं बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा, केवल एक बिंदु, और वो बिंदु है कि आज के समय में इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के समय, जब परिवार छोटे हो गए हैं, हर व्यक्ति लॉजिक समझने का प्रकार अलग हो गया है, अब वो श्रद्धा परंपरा से नहीं समझता, अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लॉजिक से समझता है, तो ऐसे समय में हम महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारी रीति रिवाज परंपराएं जो स्वास्थ्य के साथ जुड़ती हैं, उनको लॉजिकली कैसे हम समझा सकते हैं, ये हमने इस इन बिंदुओं पर विचार किया। तो यह वेबिनार अवश्य सार्थक होगी, मुझे लगता है। इतना ही मुझे इस समय बोलना चाहिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं आगे सुनूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सही आपने एक उदाहरण और बात बोला कि हमें इस चीज को एकेडमिक तक ना रख के प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करवाना है, करना है, क्योंकि ये चीज देखी जा रही है कि लोग अब इस सिनेरियो में ये हो रहा है कि पीपल आर कमिंग बैक टू आयुर्वेद, टू बैक टू आयुष एंड द होम रेमेडीज एंड दीज थेरेपीज के लिए लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग बैक। बट इम्पॉर्टेंट है कि हमें उन्हें कैसे कन्विंस करना है, कैसे हमें हर स्टेज पर उन्हें इस चीज का प्रैक्टिकल यूटिलिटी एक्सप्लेन करनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट इनवाइट करेंगे डॉक्टर अंजना सक्सेना, वो एक्सप्लेन करेंगी द यूटिलिटी ऑफ दिस वेबिनार फॉर द टॉपिक वुमेन हेल्थ इन करेंट सिनेरियो। डॉक्टर अंजना सक्सेना, ओवर टू यू मैम। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, डॉक्टर अंजना सक्सेना। थैंक यू, सुनाई पड़ रहा है? यस मैम, यस यू आर ऑडिबल। आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। आज परम पावन पूजनीय काशी की धरती पर, इसके कण कण में भगवान शंकर का निवास है, ऐसे परम परम और बाबा विश्वनाथ माता श्री अन्नपूर्णा माँ गंगा को नमन करते हुए, ज्ञान गंगा की इस महान गंगा में हम लोग सब गोते लगाने के लिए तैयार हैं। परम पूजनीय माता के समान हम प्यार करने वाली हमारी मैडम प्रेमवती तिवारी मैडम, जिन्होंने हमको आज इस लेवल तक पहुंचाया है कि हम आप लोग के सामने
स्त्री सुरक्षा, स्त्री स्वास्थ्य, स्त्री से लेके उससे संबंधित सारी बातें करने के लिए आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसके जो मूल हैं, इनकी जो जननी है वो हमारी प्रोफेसर प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम ही हैं। उन्होंने ही आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग को एक स्तंभ की तरह खड़ा किया है और आज इस स्तंभ को एक वट वृक्ष की सी छाया मिल रही है। और अब मैडम भी उसको देख के ऐसे मुस्कुराती हैं जैसे कोई मालिक अपने बगीचे को देख के मुस्कुराता है। तो मैडम हम आपको शश्वत नमन करते हैं। हम आज बहुत खुश हैं, अंतर मन से बहुत प्रसन्न हैं कि मैडम आप हम लोगों के समक्ष हैं और आपके सारे बच्चे हैं जो आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर केदार जी हैं, डॉक्टर विनोद जी हैं, हमारे अभी सबने सुना विश्व आयुर्वेद परिषद के जो हमारे सबॉस जी डॉक्टर डॉक्टर के द्विवेदी जी, मैडम भावना द्विवेदी जी और भी मेरे कई अग्रज लोग हैं जिनको मैं नमस्कार करती हूँ। इसके साथ में मेरे अपने स्टूडेंट्स जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं और हमारे सारे सेमिनार को देख रहे हैं। इस सेमिनार को करने का केवल एक मतलब है, वेबिनार कहते हैं हम लोग की नेचर है इसलिए वेबिनार ही कहते हैं। वेबिनार का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर जो आज बात सही बात सबने कही है, स्पेशली हम आरोग्य भारती के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अशोक डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय सर को जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है आरोग्य भारती में कि हम आरोग्यता की बात करते हैं, जो नाम ही है उससे पता चलता है। इसी प्रकार हमारे सर काशी प्रांत के अध्यक्ष सर इंद्रनील बसु सर, जिनसे हमें दो दिन पहले भी बात किए थे वेबिनार के माध्यम से, सर आपकी बातें अक्षरशः सत्य हैं और हम आपकी बातों को आज स्त्रियों के समाज में सुधार के लिए अपने जन मन और धन से लग जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक स्त्री समाज है उसका लेवल ऊपर आए। इसी के साथ साथ हमारे साथ में डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर अपूर्वा, इन लोगों का भी जितना सहयोग कहा जाए वो कम है। इन्होंने हमारे हमारे इस वेबिनार के इस स्वप्न को मूर्त रूप दिया है। ये लोग भी स्वागत और आपके आकांक्षा स्वागत के साथ साथ हमारे धन्यवाद के भी बहुत बड़े आभारी हैं। हम इस बात कह रहे थे कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, हम मैटरनल मैटरनिटी रेट मात मृत्यु दर इसको कम करना है। और केवल जो आप COVID-19 का एरा है इसमें हमने देख लिया है कि आयुर्वेद कहाँ खड़ा है, हमारी पाश्चात्य संस्कृति और हमारा वेस्टर्न रहन सहन सब पीछे हो गया है और एक आयुर्वेद है जो अपना एक परचम लहरा रहा है। आप कह रहे हैं ना कि हम लोग आज दिनचर्या को मानने लगे हैं, हम आज रात्रिचर्या को मानने लगे हैं, हम लोग ऋतुचर्या को मानने लगे, हम लोग सद्व्रत को मानने लगे, हम लोग रसायन को मानने लगे, हम अपनी रसोई की इम्पोर्टेंस को मानने लगे। कहाँ गए वो सारे फास्ट फूड और कहाँ गए उस तरह के सारे जो बच्चों के शौक हुआ करते थे। बच्चे भी बदल गए हैं, बच्चों को भी सोचने को मजबूर हो गया है कि नहीं आज हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, तो कहीं ना कहीं नारी का स्थान भी सबसे ऊपर आ रहा है। नारी के बारे में कहा भी गया है स्त्री ही मूलम अपत्या नाम, स्त्री ही रक्षा की रक्षिता। तो स्त्री अगर उसकी उसके अगर हम स्त्री ही अपत्य की रक्षा करेंगे, स्त्री की रक्षा करेंगे तभी हम समाज की रक्षा करेंगे और जब समाज की रक्षा होगी तब हम देश की रक्षा करेंगे। इसी बातों के साथ में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोग सब इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। हमारे स्पीकर्स हैं जो एक डॉक्टर भारती जी हैं NIA जयपुर से, HOD हैं, डॉक्टर सुनीता सुमन हैं इस समय वो BHU IMS आयुर्वेद फैकल्टी की HOD हैं, डॉक्टर शशि शर्मा हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लखनऊ की HOD हैं, हमारी अपनी HOD हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी की HOD डॉक्टर कंचन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा डॉक्टर दीपा मिश्रा हैं जो तिब्बीय कॉलेज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी अपने विभाग में ही अब इस समय सर्वे सर्वा अकेली ही है तो हम उनको HOD भी मान सकते हैं, सर्वे सर्वा मान सकते हैं। इस तरह से हम इतने इंस्टीट्यूट में मिले हैं और मैडम लोग का हमारे ऊपर बड़ा हस्त है। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि हम लोग जो भी रिसर्च वर्क करते हैं वो एक अम्ब्रेला के अंदर करते हैं और वो अम्ब्रेला के अंदर मतलब कि हमने अगर कोई काम किया, हमने कोई छोटा हमने कस्टार्टअप में कोई काम किया तो हमारा मन करता है कि हम उस कस्टार्टअप में जो है क्या दवा दे रहे हैं। हमने बनारस कॉलेज में एक बच्चे को अपने रिसर्च वर्क दिया, हमने आपसे कहा आप बना BHU में भी एक बच्चे को हमने वो रिसर्च वर्क दिया, एक बच्चे को हमने लखनऊ में वो रिसर्च वर्क दिया, एक बच्चे को हमने जो है NIA में दिया, साउथ में भी, और हमारे सब साथी लोग हैं उन लोग को दिया। इस तरह से हम चाहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमने वर्क किया और एक इस तरह की ड्रग हमने निकाली जो कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आयुर्वेद निर्भर होना चाहते हैं,
अब हम ये नहीं चाहते कि नहीं हमारे हमारी बच्चियों को दर्द हो और हम बहरहाल गंदे, उसको हम बिल्कुल कहते हैं ना रूट लेवल पे जाना चाहते हैं। और यहाँ हम सबका एक इकट्ठा होने का केवल एक यही कारण है कि हम कोलेबोरेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो वर्क करें वो जनमानस के लिए, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, और चाहे वो हमारे केरल का, कर्नाटक का हो, सबके काम आए और इस तरह से आए कि वो इफेक्टिव रहे। और उसको हम केवल ये नहीं कि हाँ आयुर्वेद तो पुरानी पैथी है, अभी हम लोग आपको एक बात बता रहे हैं, हम लोग आयुष कवच में इस समय पैनलिस्ट का काम कर रहे हैं और वहाँ 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन केवल हमारे जन सामान्य हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और हम उनके आंसर देते हैं। वो इतना ज्यादा इतना अच्छा आंसर जा रहा है, इतने अच्छे लोग जा रहे हैं कि वहाँ कुछ लोग इस तरह का क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप लोग इसको सीडोपैथी को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। मतलब हम आयुर्वेद के द्वारा लॉकडाउन में जन सामान्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को रास नहीं आ पा रहा है। ये बात मुझे यहाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आयुर्वेद ने बहुत लोगों को कहते ना शून्यता से लेके आगे तक बढ़ाया है। और आज आयुर्वेद ही है जो परचम लगा रहा है, दिनचर्या को, योगासन को, प्राणायाम को, व्यायाम को हम ही महत्ता देते आए हैं और हम आज भी देते रहेंगे, आगे भी चलेगा और उससे बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। केवल ओम इस तरह से अगर हम एक उच्चारण करें और अपने पेशेंट को ट्रेन करें कि वो नाभि से आवाज आए, नाभि में जितना गहराई से डीप वॉइस के साथ बोलेगा, HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस पे उतना ही अच्छा इफेक्ट है। और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन से ही निकलते। इस तरह से जो 12-12-12 सबने इतना अच्छा फार्मूला बताया कि मुझे लगता है हर स्टूडेंट को याद हो, और वो 12-12-12 मतलब हो गया कि आपका आपके पेशेंट का, आपके बच्चे का, आपके लड़की का जो आ रही है अभी स्टार्टअप कंप्लेन लेके, 12 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम कभी नहीं होना चाहिए। ये एक पहला अध्याय है, पहला लेसन है, और सर ने इतने मर्मत्व के साथ हम लोगों को सिखा दिया कि वो शायद हम लोग कभी नहीं भूल सकते। इन्हीं सारी बातों के साथ अभी मैंने इसके लिए क्या क्या रूपरेखा तैयार की है, मेरे अपने वक्ता, मेरे अपने टीचर्स, मेरे अपने गुरु लोग जो है वो मुझे बताएंगे। इसी बीच बीच में मुझे भी पता चला कि डॉक्टर प्रोफेसर नीलम गुप्ता हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हम लोग के साथ जुड़ी हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके आगे कार्यक्रम में डॉक्टर अपूर्वा से कहती हूँ कि आगे के लिए थैंक यू मैम। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करता हूँ, हमारे बीच में GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं कानपुर प्रांत की आरोग्य भारती कानपुर प्रांत की उपाध्यक्ष डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैडम हम लोग के बीच हैं, और हम चाहते हैं कि मैम आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैडम, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पास समय की सीमा है, क्योंकि टेक्निकल कुछ इश्यू के कारण हम वैसे 15 मिनट विलम्ब हो चुके हैं और ये कार्यक्रम हमें 4:45 तक हर हाल में खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद एक और कार्यक्रम है। तो समय की सीमा को, अपने टाइम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस चीज का मुझे एक आग्रह करूंगा मैं सभी सभी वक्ताओं से, आप सभी से। डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हैं, गर्भ संस्कार, जो प्राचीन काल में भी जन्म से मृत्यु तक के हमें 16 संस्कार एक्सप्लेन किए गए हैं। ये बेसिकली है बेबी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इसके लिए भी बहुत सारी ग्रोइंग क्वेरीज हैं सभी के जहन में, क्योंकि हम गाजियाबाद में भी मैं देखती हूँ कि बहुत जगहों पर कहीं होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे होते हैं कि गर्भ संस्कार के लिए कुछ सेंटर्स हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं, आयुष पैथीज लोग जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। यहाँ पर कुछ संस्थाएं भी हैं जो गर्भ संस्कार जैसी विधियों को कराती हैं, तो प्लीज मैम मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसके बारे में जो भी क्वेरीज, जनरल क्वेरीज हो सकती हैं, उनको आप जरूर क्लियर करें। डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम प्लीज। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस मैम। मेरा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिएगा जरा, आई वुड लाइक टू शेयर सम स्लाइड्स। हेलो, डिसेबल्ड है स्क्रीन शेयरिंग? हेलो, यस मैम, यू कैन सी इट। ठीक, यू कैन शेयर। पहले तो मेरा सबको नमस्कार और अभिवादन, समस्त वक्ताओं को, प्रबुद्ध जनों को, अतिथि लोगों को एवं श्रोताओं को।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ऑर्गेनाइजर्स को कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे उन्होंने ये पूरा वेबिनार रखा है स्त्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी पुरुष युद्ध में मारे गए हैं उससे 4 गुना अधिक औरतें प्रसूति संबंधित जटिलताओं के कारण मारी गई हैं, और ये वो मौतें हैं जो बचाई जा सकती थी। और इस पे अब हमारा विभाग और पूरी सरकार भी लगी हुई है कि किस तरह हम अपनी माताओं को और फिर उनसे जुड़े पूरे समाज को हम बचा सकें। गर्भ संस्कार एक ऐसा विषय है जो बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में रहा है, और हमारे देश ने ये माना है कि माता ही निर्माता है। लेकिन हम एलोपैथी में यूजुअली क्या करते हैं, वी डोंट फोकस ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, वी आर मोर फोकस्ड ऑन डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। और गर्भ संस्कार हमारे प्राचीनतम इतिहास में, और गर्भोपनिषद से आप निकाल करके इसके समस्त उसको विधियों को आप देखिएगा तो पाइएगा कि अभी जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है अब वो उन सारी चीजों को प्रूव भी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ रही है फिर से उन प्राचीन विधाओं को जानने की। तो आंकड़े ये बताते हैं कि स्थितियां गंभीर है देश में। अभी तो हमने मातृ मृत्यु दर पे काफी हद तक सफलता पाई है, फिर भी हम अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं, जो हम अभी 70 चाहते हैं कि इस पे आ जाए। अभी ऑपरेशन के रेट, सिजेरियन सेक्शन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लगभग 50% से भी ऊपर चले गए हैं। अधिकतर कारण जो सिजेरियन सेक्शन का है वो पाया गया है कि बच्चा गर्भ में ही फीटल डिस्ट्रेस जो है उसके कारण ज्यादातर सिजेरियन सेक्शन रेट्स हो रहे हैं। आगे उसके अलावा हमने देखा कि आजकल सुसाइड रेट अगर हम देखें तो 1 घंटे में 1 बच्चा सुसाइड कर रहा है, प्रति वर्ष 10,000 विद्यार्थी सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इतनी गंभीर स्थितियों में हम चाहेंगे कि हम उन आयामों पे काम करें जिससे कि हमारी प्रसूताएं भी सुरक्षित रह सके, गर्भ का शिशु और हमारे किशोर। और क्या ये गर्भ संस्कार तो एक ऐसी विधा है जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इस प्रकार की है कि संस्कारों का परिपालन हम गर्भ से ही शुरू कर सकते हैं। हमने देखा अपने रिसर्च में, शोधों में, और आगे कि माँ का आहार और माँ का व्यवहार बहुत हद तक बच्चे पे असर डालता है। पूरे माँ के आहार से ही पूरा शिशु का शरीर भी बनता है। और अब हमने ये पाया है द फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस, यानी गर्भ में ही पूरी नींव पड़ जाती है आगे चल के आने वाली बीमारियों की। यदि माँ का आहार उचित नहीं है तो आगे चल के ये समस्त रोग हमारे किशोरों को हो सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि भारत बन गया है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। और अब हमने ये भी पाया कि प्रदूषण जो पूरे वातावरण में फैला हुआ है वो भी बहुत हद तक हमारे स्वास्थ्य पे असर डाल रहा है, और विकसित होते भ्रूण पर भी, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी ही ये एनवायरमेंटल टेराटोजेंस और फैक्टर्स असर डालते हैं। और ये जो क्रिटिकल पीरियड है जिसमें समस्त ऑर्गन्स बच्चे के जो बन रहे हैं उस वक्त अगर किसी भी प्रकार के ये टेराटोजेंस या पोल्यूटेंस या ये खतरनाक स्टिमुलाय बच्चे के शरीर पनपते हुए शरीर को मिले तो बच्चे में विकलांगता या विकार आ सकते हैं। पाया गया था कि जब जापान में एक मछली खाई गई मिनेसोटा एरिया में, जहां पर की मर्करी की डंपिंग हो गई थी इलाके में, तो वहां पर मिनेसोटा नाम की बीमारी ही हो गई थी जिसमें कि सीएनएस डैमेज हो गया था बच्चों का और किशोरों का भी। तो आहार का कितना फर्क पड़ता है बच्चे के शरीर को बनाने में, ये हमारे पुरातन ग्रंथों में भी लिखा है। और आयुर्वेद तो बहुत पहले से ही बताता है कि समदोषा समाग्निश्चय समधातु मूलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। हमारा आयुर्वेद तो पहले से ही मानता है कि शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ शरीर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता भी उसमें होनी चाहिए पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रतिपादन करने के लिए। और अब WHO ने भी ये बात मान ली है कि पूर्ण स्वास्थ्य पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ दवाइयों पे या ज्यादा से ज्यादा आहार पे ध्यान दिया। इसी के कारण आज युवाओं में नैतिक और भावनात्मक मूल्यों का पतन हो रहा है। इसीलिए वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द होल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसी को संज्ञान में रखते हुए संस्कारवान पीढ़ी को उत्पन्न करने का ये प्रयास था गर्भ संस्कार।
हमारे पुराने वेदों में भी उपनिषदों में भी इन सब का जिक्र है कि किस प्रकार माँ एक निर्माता है और कैसे वो बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य पे असर डालती है। हमने अभी शरीर की बात की थी, आइए हम मन को भी समझ लें कि मन किस प्रकार से काम करता है। स्थूल शरीर की बात हमने समझ ली, सूक्ष्म शरीर में हमारा मन है और कारण शरीर तक तो आजकल का साइंस पहुंच नहीं पाया और इन सबका स्वास्थ्य अति आवश्यक है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। रिसर्च में भी पाया गया है, डॉक्टर ओमर ने भी अपने रिसर्च में बताया कि द एजुकेशन ऑफ द फीटस स्टार्ट्स इन द वूम इटसेल्फ, और बच्चा माँ के गर्भ में ही बहुत कुछ सीखता है। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी रिसर्च में पाया गया कि गर्भ के समय माँ के विचार, भावनाएं, आहार और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण एक मेटामॉर्फोजेनिक बल क्रियाशील करता है जो भावी बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व, चरित्र और भावनाओं का निर्माण करता है। ये पाया गया कि जिन बच्चों को अपने पिता का वो प्रेम या पारिवारिक कलह हुई है अगर परिवार में और उचित वातावरण नहीं मिला, तो उनका विकास न सिर्फ अवरुद्ध था, भावनात्मक रूप से भी वो कमजोर थे और जीवन के चैलेंजेस भी उन्होंने उतने अच्छे से फेस वो करने में वो सक्षम नहीं थे। तो बहुत वातावरण का बहुत असर पड़ता है और वातावरण की स्टडी ही है एपिजेनेटिक्स, यानी हम वातावरण को कैसे समझ रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, ये इसका जो मूल निर्धाता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है हमारे संस्कारों पे, और ये संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं, ये संस्कार हमें मिलते हैं गर्भ से ही। माता जिस प्रकार से सोचती है, विचारती है, वो बच्चे का इमोशनल पैटर्न बना देता है। यदि माँ के सोच विचार उत्तम हो, सकारात्मक हो, तो बच्चों का इमोशनल पैटर्न भी जो बनता है वो भी मजबूत होता है। तो व्हाटएवर वातावरण में जो भी हमारे को एक स्टिमुलस मिलता है, हम उसको जैसा परसीव करते हैं और अंततः उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब हमारे संस्कारों पे भी निर्भर करता है। और यही संस्कार हम बच्चे को माँ के गर्भ में ही बनाने की चेष्टा करते हैं, यही है गर्भ संस्कार की पूरी फिलॉसफी। हमने अपने इतिहास में भी पाया कि माताओं ने जैसा सोचा, जैसा प्रयास किया, वैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, चाहे वो शिवाजी हो अथवा अभिमन्यु। और आज के मॉडर्न युग में भी अगर हम उदाहरण लेते हैं सेरेना विलियम्स का और अन्य लोगों का, जिसमें माताओं ने चाहा कि मेरा बच्चा खिलाड़ी हो और उन्होंने उन सारे गुणों पे फोकस किया और उन्हें आत्मसात किया, अपने सोच और विचार वैसे बनाए और अपना आहार उत्तम रखा, तो हमने देखा कि उन्हें वैसे ही संतति प्राप्त भी हुई। और उसी के विपरीत यदि माँ दुखी हो जाती है और परेशान होती है, वातावरण कलह का होता है, तो धमनियां संकुचित हो जाती हैं और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड सप्लाई बच्चे को रोक देता है और बच्चे के जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सारी प्रोटेक्टिव मोड में आ जाती हैं, उन सब का ग्रोथ रुकता है और हमें मिलता है एक कमजोर बच्चा जो कि तनाव में रहता है और उसके अन्य भी समस्याएं, उसका व्यवहार असंतुलित होता है और उसके संस्कार, यानी आगे चल करके जिस भी चीज का उसे सामना करना है, एक तो वो उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसका रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं होगा। हम लोग ये जानते हैं, जिस प्रकार से एक गाय का बच्चा पैदा होते ही जानता है कि मुझे क्या खाना है, कैसे चलना है, क्या पीना है, ये उसके गर्भस्थ संस्कार हैं जो उसे उसके माता के आचरण, व्यवहार और उसके जेनेटिक मेकअप के कारण मिले। उसी प्रकार एक इंसान के बच्चे को भी समस्त संस्कार माँ के गर्भ से ही प्राप्त हो जाते हैं, साथ में क्योंकि हमारा मन इतना अधिक विकसित है कि वो विकसित संस्कार भी जो इमोशनल पैटर्न्स के हैं और मानसिक मजबूती के हैं माँ के, वो भी बच्चे को प्राप्त होते हैं गर्भ में। देखिए, क्योंकि लगभग ये स्लाइड दिखा रही है कि 80% ऑफ द ब्रेन इज फॉर्म्ड इनसाइड द यूट्रस ओनली, 80% मानसिक विकास हो जाता है बच्चे का गर्भ में ही, और बाकी जो होता है वो काफी हद तक 2 वर्ष तक हो जाता है। इसलिए शुरू के ये साल बच्चे में उचित संस्कार देने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहले ही माह में आप देख रहे हैं कि बच्चे का किस प्रकार से मानसिक और ये CNS डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है और नींव पड़नी शुरू हो गई है, उसमें
सारे उसके व्यक्तित्व के विकास की, और चौथे माह में आप देखिए कोशिकाओं का क्या रफ्तार से बढ़ रही है, वो 2.5 लाख प्रति मिनट के रफ्तार से ये कोशिकाएं बढ़ रही हैं। इस वक्त बच्चा पेट में ही आवाज, महक, स्वाद वगैरह को पहचानने लगता है, और आवाज पिता की और माता की पहचानने लगता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करता है। और छठे माह में मेरा टाइम ओवर हो रहा होगा, प्लीज तो बता दीजिएगा, हाउ मच टाइम डू हैव? हेलो, हाँ जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ, कितना समय है मेरे पास और? 5 मिनट्स मोर। 5 मिनट्स बस, 5 मिनट में मेरा खत्म हो जाएगा। तो छठे माह में आप देखिए, छठे माह में भी भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं, यानी माँ अगर खुश होती है और तो बच्चा अपनी खुशी भी प्रकट करता है। आगे वाले वीडियो में हम दिखाएंगे कि अल्ट्रासाउंड में किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रफ्तार देखिए, 5 लाख प्रति मिनट के हिसाब से कोशिकाएं बन रही हैं, और उसके बाद न्यूरोनल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है। बच्चे की बौद्धिकता इस पे भी निर्भर करती है कि न्यूरॉन्स आपस में कितना कनेक्शन और सर्किटिंग करते हैं, और ये निर्भर करता है कि माँ का अपना इमोशनल पैटर्न कितना मजबूत है, उसी हिसाब से ये सर्किट्स भी बनेंगे। और ये सर्किट्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे अगर माँ बहुत ज्यादा तनाव करेगी तो। 8वें माह में सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य करने लगती हैं। बच्चा कई भाषाएं सीखने में सक्षम होता है, यहाँ तक कि 4 भाषाएं, और लगभग 5,000 शब्द प्रतिदिन सीखता है वो। ये देखिए कि किस प्रकार असर करता है माँ का स्वभाव और व्यवहार बच्चे पे। ये देखिए, आपस में अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो बच्चे पे क्या असर होता है, बच्चा भी स्ट्रेस में चला गया। उसी जगह अगर माँ प्रसन्न है तो बच्चा भी खुश हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सारी भावनाओं का गर्भ में भी असर पड़ता है, और वैसे ही न्यूरोनल सर्किट्स बच्चे के अंदर डेवलप होने लगते हैं। अब देखिए, बच्चा मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ बहुत प्रसन्नचित रहती थी, खुशमिजाज रहती थी, तो बच्चा भी खुशमिजाज पैदा होगा, नहीं तो बहुत ही इरिटेबल, बीमार, कमजोर और रोने गाने वाला चिड़चिड़ा बच्चा पैदा होगा। तो आपने देखा कि 5,000 शब्द बच्चा 1 घंटे में सीख लेता है, और इस तरह हमें सिर्फ आहार देके बच्चे का शरीर ही माता के द्वारा उत्पन्न नहीं कराना, बल्कि माँ के कॉन्शियसनेस को, माँ के ब्रेन को एक सकारात्मक स्टिमुलाई दे करके उसे वो सारी विधाएं भी बतानी है जिससे कि बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी हो। क्योंकि आजकल जब आप जाइए इंडस्ट्रीज में या कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने, तो वो सिर्फ आपके मार्क्स या परसेंटेज नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि आपका भावनात्मक प्रतिभा कितनी अच्छी है, आप दूसरों की भावनाओं को कितना अच्छा समझते हैं और दूसरे लोगों को भी कैसे हैंडल करना जानते हैं। इसके अलावा कठिन परिस्थितियों में आपकी अपना मनोबल और आध्यात्मिक प्रतिभा कितनी अच्छी है, जिससे कि आप उस सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो संपूर्ण विकास की आवश्यकता है, इन सारे गुणों की आवश्यकता है हमें एक बच्चे में, और इन्हीं सारे गुणों का हम समग्रता से विकास संस्कारों द्वारा ही कर सकते हैं, जो गर्भ में हम बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव। लिटरली इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ मॉडर्न चीज़ों को हार्मोनल एंड वो सब चीज़ें बैलेंस करके बताया, तो बहुत सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। जो आयुर्वेद से अनभिज्ञ हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बेसिकली गर्भ संस्कार क्या है, कि अगर हमें बच्चा सिर्फ अच्छे IQ के ही साथ ही नहीं, EQ के साथ भी हमें अगर जन्म देना है, तो हमें गर्भ संस्कार जैसी कुछ चीजें, जो भी आपने चीजें गाइड किया, उन सब चीजों को हमें फॉलो करना होगा, करवाना होगा। एक मैम आपकी स्लाइड थी, इसमें आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी, ये हम लोग एक कुछ हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था गाजियाबाद में, मैंने वहीं पर ही देखा था कि कुछ जनप्रतिनिधि इसके आए थे, उन्होंने अपने बैनर पोस्टर के अंदर यहाँ पर, मैंने तब पहली बार ये यहाँ गाजियाबाद में देखा था एज बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर डीएमओ ऑफिस सब कुछ थे, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे तब सामने आई थी ये टर्म आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी, एंड इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। और वो लोग कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन और कुछ सोलली थिंग्स कराते हैं, उसमें फ्री विजिट्स आपको करना होता है, इस तरीके का कुछ है, और मेरे बहुत सारे स्टाफ ने उनको फॉलो करना और उनके लिए बहुत जानकारी, मतलब सब लोग बहुत इसके लिए
जागरूक हो रहे थे और जिज्ञासु हो रहे थे कि हम कैसे इन्हें अप्रोच एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण मैं अभी बता नहीं पाई. इसकी कार्यशाला आरोग्य भारती और गायत्री परिवार के कोलैबोरेशन से हमारे विभाग में चल रही है. 12 कार्यशालाएं हो चुकी हैं, उसके कई रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन समय इतना नहीं था ना, तो आगे की स्लाइड सारा उससे संबंधित भी थी कि हमारा रिसर्च किस दिशा में जा रहा है. ओके मैम, हम इसे कभी अलग से सेपरेटली लेकर के वो अलग प्लेटफॉर्म पे आई शेयर, अभी तो बच्चों के लिए इतना पर्याप्त है. ओके मैम, थैंक यू. इसी के नेक्स्ट हम मैम को इनवाइट करेंगे, डॉक्टर प्रेमवती तिवारी. उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, शी नीड नो इंट्रोडक्शन. उनकी किताबें और सब कुछ पढ़ के हम इतने बड़े हुए हैं और आयुष में हम आए हैं उन्हीं के ही द्वारा. और मैंने कभी नहीं सोचा था लिटरली कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी मैं उनको भी मिल पाऊंगी और देख पाऊंगी. इट्स अ ग्रेट ऑनर. वो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं स्त्री प्रसूति विभाग में, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद आईएमएस बीएचयू में. तो मैम प्लीज आप जरूर अपने कुछ वर्ड शेयर करें. मैंने अपने फ्रेंड्स को जब ये फ्लायर शेयर किया था तो सबने बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में ही हमें वो बुक का फर्स्ट पेज याद आया कि प्रियव्रत शर्मा हमारी वो प्रेमवती तिवारी मैम की वो बुक का फर्स्ट पेज कैसा था. उसमें एक संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ होता था और हम लोग कैसे उसको एग्जाम में फॉलो करते थे. तो मैम प्लीज आप जरूर कुछ इसमें वर्ड्स ऐड करें. इससे पहले कि मैम कुछ बोलें, मैं डॉक्टर अंजना मैम से चाहता हूं कि मैम आप मैम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें. डॉक्टर अंजना मैम. थैंक यू शिवा द्विवेदी मैम, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला और हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं. प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम, हमने जैसे आपको पहले भी बताया, वो एक माता के समान है, एक वटवृक्ष के समान है और हम सब उनके नीचे एक अंकुर की तरह उत्पन्न हुए हैं और आज हम उन्हीं की छाया में फल और फूल. मैडम ने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा झांसी कॉलेज से रहते हुए लखनऊ से लखनऊ कॉलेज से लेके फिर आकर अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक आयुर्वेद का जो नाम मिला है, आयुर्वेद फैकल्टी को जो आयुर्वेद फैकल्टी का नाम मिला है, उसमें मैडम का पूरा जीवन ही लग गया. मैडम अपना जीवन हमारे लिए ही, अपने पेशेंट के लिए ही, अपने छात्रों के लिए ही, आयुर्वेद के लिए ही समर्पित की हैं. और मैडम की महिमा आप और हम सभी जानते हैं और शायद कुछ चंद वर्ड में हम उनका बखान भी नहीं कर सकते. मैडम ने इतनी किताबें लिखी हैं और इतने अच्छे वे में लिखी हैं कि हम लोग आयुर्वेद पढ़ना सीख गए, हम लोग शास्त्र पढ़ना सीख गए, हम जान गए कि हम लोग कुछ हैं क्योंकि हम लोग मैडम के स्टूडेंट हैं. हम यही सोच के बहुत गौरवान्वित रहते हैं. और इतनी बड़ी मैडम की एक पर्सनैलिटी है, उसके सामने हम लोग केवल कहते हैं ना, दीप जलाने का काम भी नहीं कर सकते, हम लोग हनुमान भी नहीं बन सकते. वो भगवान राम से भी बहुत ऊपर है, हमारे लिए वो भगवान राम है. और हम यही चाहते हैं मैडम, आप अपने अमृत शब्द को जल्दी से जल्दी ले हम लोगों के सामने लाइए. हम लोग सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आप लोग सुनने के लिए. प्लीज मैडम आप आइए. अनम्यूट हो गए मैम. जो प्रबंध करता है, आयोजन करता है, उन सभी को साधुवाद देती हूँ. समय मुझे 20 मिनट का दिया गया है और मैं चाहूंगी कि मैं 15 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूं क्योंकि आप लोगों को आगे भी जाना. अभी हम सबकी बातें सुन रही थी. हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि 50% की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं. मैं द्विवेदी जी को याद दिलाना चाहूंगी, वो 3-3 बच्चों के पिता हैं, कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का स्वास्थ्य ही माँ पर ही आधारित होता है और माँ के स्वास्थ्य ही बच्चा स्वस्थ पैदा होता है. अतः वो बच्चा भी माँ के साथ आता है और उसमें स्वास्थ्य की समस्याएं 75% हो जाती है न कि 50% रहती है. और हम जब पूरे 75% का ध्यान करके आगे बढ़ेंगे तभी हम समाज को और देश को एक स्वस्थ प्रजन करके उनका अच्छे दिमाग वाले अच्छे बच्चों को हम पैदा कर सकते. अभी हमारी जो अभी वक्ती थी डॉक्टर द्विवेदी जी, उन्होंने कुछ बातें बताई. एक गर्भ का संस्कार बताया और एक ये कि आजकल सीजर ज्यादा होता है और तमाम विकृतियां ज्यादा होती है. उन सब की यदि नींव में जाए कि क्यों होता है, सीजर का बहुत बड़ा कारण है आज हमारी बच्चियों में वेदना सहन शक्ति की असमर्थता, क्योंकि उनको प्रारंभ से प्रसव के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती.
उनको प्रारंभ से ही और सब कष्टकारी जो वो अपने माँ से सीखते बहुत कष्टकारी है, ये बहुत बड़ा एक प्रभाव डालता बच्चे के दिमाग में कि वो और आजकल ज्यादा सुकुमार बच्चियां हैं, टफ बनाना चाहिए, कठिन बनाना चाहिए, अन्यथा सीजर का इंसिडेंस कम नहीं होता है। बहुत आ जाए माँ का गर्भावस्था में आहार विहार गलत होना और उसकी मानसिक स्थिति जो कि वेदा ने बिल्कुल सहन नहीं किया, उस सहन न करने के कारण ये उनको ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए। तीसरा जो आपने बताया कि बच्चे आजकल बहुत मानसिक रूप से एजिटेटेड इस तरह करके हो रहे हैं, इन सब पर जब हम कारण सोचें तो चरक ने एक श्लोक दिया है, शुक्ला शगात वास्य काल संपचार तथा ने गर्भस्य काले सुखम सुखेज संजाते संपरिपूर्ण दिया। शुक्र संपत्ति यानी इसमें पति का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसे खुद को स्वस्थ होना चाहिए, जब तक वो स्वस्थ नहीं है हर मामले में मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तब तक कभी स्वस्थ प्रजनन की शक्ति नहीं रखता है और बच्चा जो पैदा हो स्वस्थ नहीं होगा। शुक्र और असर माता को भी, क्योंकि जो जिस समय उसके अगले इस समय होने वाला जो स्त्री बीज है वो परिपक्व हो रहा होता है, एक ऋतुचर्या के 3-4 दिन के बाद ही उसके अंदर जो अंतर के जो क्रोमोसोम्स है उनको जीन्स कहे, इनमें कुछ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। उस काल में ही यदि स्त्री अपने व्यवहार को अपने खान पान को सामान्य नहीं रखेगी, ऐसी वस्तुओं का सेवन करेगी जिनसे कि कुछ विकार हो सकते हैं, जिन्हें आजकल हमारे वातावरण अनेकों ऐसे द्रव्य हैं जिनके हम पेस्टिसाइड्स डिओडोरेंट्स और आजकल ये चीजों का इस्तेमाल करने का जो तो हमारी महक की चीजें डिओडोरेंट जितने हैं या जो जितने हमारे कॉस्मेटिक्स है, ये सारे शरीर के हार्मोनों को इम्बेलेंस करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग इम्बेलेंस करता है इन सब चीजों में। दूसरा जो हम टिन फूड खाते हैं, आजकल माए भी टीवी देखने और आपस की किटी पार्टी में इतने व्यस्त होती हैं कि बच्चों को सामान्य अच्छा खाना बना के नहीं दे सकती हैं। उनको जब यदि जो माँ बनी है माँ को अपने हित को समाप्त करके अपने को उनको नीचे करके बच्चे के हित में सारा काम करना चाहिए, जिसमें कि उसको मानसिक रूप से अच्छा पालन पोषण घर का और सबसे गर्भाधान संस्कार का गर्भ संस्कार के पहले गर्भाधान संस्कार सामान्य विचारों के, लेकिन मेरे को पूरी साइड दिख रही थी मुझे ऐसे देखना था, अब सिर्फ मैं भी आ रही हूँ क्या वहाँ पे मानसिक संतुलन ठीक रहे। उस मानसिक संतुलन के साथ जब उनका उनके गर्भ आएगा वो नॉर्मल होगा। गर्भ काल में भी जैसा आपने बताया कि गर्भ के अंदर काफी विकार या मानसिक विकार आता है, जबकि पति पत्नी या परिवार में, क्योंकि केवल पति पत्नी का परिवार का भी संबंध होता है। जब मैं यहाँ कहूँ कि यदि ये चीजें पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज एक स्त्री भी स्त्री के दूषण है, सास अपनी बहू को बेटे को बहू समझती है और उसको गर्भावस्था काल में भी प्रताड़ना या कष्ट होता है, ये चीजें हमें समाज का परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि यदि हम स्त्री स्वास्थ्य के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और इसके बाद नैतिक के बाद में आता, इन सभी चीजों का जब तक हमारा हमारे देश का परिवर्तन नहीं होता है तब तक में इस स्वस्थ प्रजनन की आशा ही हमें नहीं करनी चाहिए। और ये चीज प्रारंभ होती अपने घर से। हमारा तमाम औषधियों को भी हमारे सहयोगियों ने बताया कि हम ये औषधि निकालने ये चिकित्सा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु क्या ये आयुष्मान भारती का सदस्य ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि एक एक सदस्य अपने कम से कम 10 परिवारों को इस सब समस्याओं से सूचित करेगा, इन सब समस्याओं का उनके बताएगा, उनके इस व्यवहार का जो जो प्रभाव है आगे वाली संतति में हो रहा है, क्या ये भी एक चिकित्सा नहीं है क्या? इसका उत्तरदायित्व पूरी समाज को लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है और ये बहुत जिस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम औषधियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समाज के अंदर की स्थिति और वातावरण का दूषित का प्रदूषण कम करना ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम आगे स्वस्थ संतत जो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो उससे हम अगर आशा और आकांक्षा करते हैं, मैं आप सब लोगों को यही विनती करूंगी कि आप औषधियों के अवध की तरफ अवश्य जाइए, औषधियां अवध नहीं निकालिए, लेकिन यहाँ मैं पुनः एक बात कहूंगी कि औषधियां हम नई नई निकालते हैं और क्या जो पादक हमें आज मिल रहे हैं औषधियां, क्या हमने कभी इसका प्रयत्न किया कि जो औषधियां जिन्हें हम मानव में प्रयोग करना चाहते हैं उनको स्वस्थ धरती पर स्वस्थ जल के सिंचन से, स्वस्थ वायु तो हमारे हाथ में नहीं है और उस धरती को हम स्वस्थ बना सकते हैं, हम जो सिंचन के लिए जल मिलता है उसको स्वस्थ बना सकते हैं। जब तक औषधि अपने सामान्य वातावरण में
स्वस्थ पृथ्वी में स्वस्थ जल से सिंचित होकर नई उत्पन्न होगी, तब तक औषधि उतना अच्छा कार्य नहीं करेगी जितना की औषधियां पूर्व के समय में करती थी। औषधियों की उपलब्धि, औषधियों का ज्ञान, इन सारी चीजों पर भी हमें आयुर्वेद वालों को हम क्यों, यदि हम आत्म स्त्री स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, परंतु ये स्वास्थ्य स्त्री पुरुष का सबका सामान्य, बच्चे का के लिए इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। मैं किसी भी, मैं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो काम कर रहे हैं उन सबके का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आप लोग समाज सुधार और औषधियों के की उत्पत्ति, उनका संगठन, उनका निर्माण, इन चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तब अच्छी नहीं मिलेंगी और नहीं करेंगे आए हैं और आगे समय और खराब आता जाएगा और दिक्कत होती जाएंगी। हम इन प्रश्नों पर भी ध्यान दें, जहाँ तक स्त्री स्वास्थ्य का संबंध है, स्त्री का स्वास्थ्य तो जिस दिन वह माँ के गर्भ में उसी से प्रारंभ हो जाता है, और यदि माँ के शरीर में स्वयं कोई विकार है, यदि माँ स्वयं बहुत मोटी है तो उसके भी एक आशंका है, उसके जो वसा के जो पोषण है उनमें ऐसे तत्व तो जमा होते हैं जो गर्भ में जाकर और उस बच्ची को, आगे आने वाले बच्चे में जो आजकल किसी भी नई बीमारी प्रवृत्त करते हैं, तो माँ को भी गर्भाधान होने के पहले से शुद्ध वातावरण में शुद्ध भोजन, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आजकल कॉस्मेटिक से जो परिसाधन के दर्द हो उनको कम से कम प्रयोग करना होगा, और गर्भकाल में तो ना ही करें तो ही ज्यादा अच्छा है। खाना बहुत शुद्ध खाएं, खाना घर का बना हुआ, जो जितना ज्यादा ताजा ताजा अच्छा से अच्छा खाना खाएं, खाना पौष्टिक हो। पौष्टिक माने ये नहीं होते हैं कि हर चीज हम धन से ही करते हैं, हम अगर चाहे तो अपने, हम कई दफे लोगों का चुका घर में अपने जो गांव में भी है, अपने घर के दरवाजे में केले का पेड़ लगा लें, पपीते का पेड़ लगा लें, फल मिल जाएंगे गर्भावस्था में भी खाने के। तो स्वास्थ्य का हमें ध्यान सब, अगर बच्चा स्वस्थ चाहिए, अगर स्त्री का स्वास्थ्य चाहिए तो पूरा स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके बाद ही स्त्री स्वस्थ हो पाएगी। इसके लिए हमें समाज का परिवर्तन चाहिए, हमें जो हमारे उपलब्ध चीजें हैं जिससे स्वास्थ्य बनता है उनको किस तरह सुगमता से हम मिल सकते हैं और गरीब से गरीब को पहुंचा सकते हैं, इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो औषधि पादप है उनको हम अपने घरों में, हम अपने घरों में ये घृतकुमारी लगा सकते हैं, कहीं भी जलता घृतकुमारी का बूटा लेकर लगा दे, जलने दाग भी नहीं बनेगा और दर्द भी नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी जो हमारी औषधियां हैं जिनको हम रोज रोज अपने घरों में अपने घर वालों को सिखा सकते हैं, स्त्री बच्चे सबका स्वास्थ्य हमसे ठीक रहेगा। तो हम एक अगर हम अगर देश जो है वो स्त्री पुरुष सबसे मिलकर बनता है, हम आजकल स्त्री स्वास्थ्य के साथ बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक गर्भावस्था काम हो सकता है, जिसके की क्या आवश्यकता है इसके अनुसार हमें उसे करना चाहिए। आयुर्वेद में गर्मियों को तेल भरे पात्र से तुलना की गई है, जैसे तेल भरा पात्र आप लेकर चलते हैं जरा तक हिलेगा तो छिलक के बाहर आ जाएगा, इस यही स्त्री गर्भ स्त्री की होती है। यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का मानसिक आर्थिक कोई भी अगर कारण हो तो उसका असर गर्भ पर पड़ेगा और स्त्री के स्वास्थ्य में भी पड़ेगा। तो हम स्वास्थ्य में केवल औषधियों का ध्यान न दें, औषधियां भी एक उसका घटक है, परंतु उसका घटक है पहले सामाजिक शिक्षा, पोषण की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन, दूसरा जहाँ का एक हमें अत्यधिक प्रजनन को रोकना और वंध्यत्व का भी चिकित्सा करना, क्योंकि परिवार अकेला नहीं होता, जब उस परिवार में बच्चा होगा तभी उसके बाद में वो परिवार बने, तो परिवार को संजत करना, यानी हमें वंध्यत्व पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम प्रजनन पर दे रहे हैं। एक सामंजस्य, जैसे हम आयुर्वेद कहें दोषों इक्विलिब्रियम, जब तक समाज में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक समाज कभी ठीक नहीं, और वो समाज की एक घट स्त्री का एक घट चित हुए तो तब तक भी समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकेगा। मैं दो मिनट और इस सब के बाद आपने जो हमारी सहयोगियां हैं उन सबसे एक ही अनुरोध अवश्य करती हूँ, आयुर्वेद में मैं जो एक प्रवृत्ति देखती हूँ कि किसी भी चीज हमने किया उसको बहुत जल्दी हम भला मचाने लगते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने अपने टीवी में या मोबाइल में मैंने प्रचार देखा था किसी सज्जन का, जिसमें कि उसमें जो मोदी जी दवाएं मतलब उनका नाम लिखा हुआ था, आयुष का नाम लिखा हुआ था, और चार ये औषधियां बताई जाती है, तुलसी है, तुलसी है और काली मिर्च है और ये सुनखी है और दालचीनी है। इससे उनका कहना था कि उन्होंने 6,000 केसेस को ट्रीट किया, जिनमें से 3 दिन के अंदर कोरोना के 5,981 केसेस ठीक हो गए। ये चीज बहुत गलत है, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करके, इस तरह का प्रचार करके हम आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं।
मेरी सबसे विनती है कि आप समाज को सुधारिए और समाज इस हमारे आयुर्वेद ने सब कुवृत्त को सुधारिए कि चीज ठीक है कि नहीं, उसका हम सिर्फ प्रचार करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, फायदा नहीं होता है, तो आयुर्वेद बदनाम होता है। कम से कम इस तरह के प्रचार बंद करें। हमारी बच्चियां जो हमारी बहनें जो अनुसंधान कर रही है, एक अनुसंधान के बाद उसको उसको प्रचारित न करें। अपना दूसरा तीसरे कम से कम 5-6 लोग जब उन्हीं औषधियों से उसी व्यथा को अच्छी तरह ठीक कर सके, तब उसको वो माने कि हाँ ये औषधि कारगर है। इन सब चीजों के जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, ना आयुर्वेद का उत्थान होगा और ना देश के स्वास्थ्य का। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके एक एक वर्ड्स बहुत वैल्यूएबल थे, जिसमें हमने औषधि के निर्माण और संकलन के बारे में आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई, और लास्टली जो आपने बोला कि बेसिकली वो क्वैक प्रथा जो चल रही है आयुर्वेद के नाम पर, लोग कुछ भी औषधियां, कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन, कुछ भी दे रहे हैं, इट शुड बी अवॉइडेड। आयुर्वेद के नाम पर सिर्फ अगर पूछा जाए तो लोग काली मिर्च और लहसुन और अदरक का नाम लेने लगते हैं, तो ये बिल्कुल सब किसी को इस चीज के लिए आगे आना चाहिए कि सही तरीके से इस पैथी का इस्तेमाल हो और प्रचार भी हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम सब बहुत आपके वर्ड सुनकर वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू मैम। इसी के सीक्वेंस में हम वक्त ना जाया करते हुए नेक्स्ट हम लेंगे डॉक्टर दीपा मिश्रा, जो IUGR विद स्पेशल रेफरेंस टू नागोदर एंड उपविष्टक टॉपिक लेंगी। आयुर्वेद में कुछ गर्भ व्यापक डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें गर्भ स्राव या गर्भपात, गर्भशोष, उपविष्टक, नागोदर, इस तरीके के बहुत सारे रोग हैं, जो कोई भी बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। आजकल की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मिथ्या आहार विहार हो, या ओवर एक्सर्शन या स्ट्रेस जो मैम ने भी बात की अभी, या मैल न्यूट्रिशन हो। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 5% जनरली हमारे ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन सब चीजों की वजह से। इसी में से एक टॉपिक है IUGR, जिसमें हम नागोदर या उपविष्टक अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो मैम प्लीज आप इसमें अपना 10 मिनट्स में कुछ भी जल्दी से बता दें। डॉक्टर दीपा मिश्रा, ओवर टू यू मैम। अवनीश मैम को कनेक्ट, मैम कनेक्टेड है? डॉक्टर दीपा मिश्रा मैम, सॉरी, आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर अपूर्वा। हाँ हाँ, यस प्लीज, जो न्यू जो नया वाला है उसको आप देखिए। अच्छा, डॉक्टर शशि शर्मा है इसके बाद, वो आयुर्वेद मैम को पहले। यस आयुर्वेद कॉल हर फर्स्ट। गॉट आयुर्वेदिक व्यू ऑफ गर्भ संस्कार, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है गर्भ संस्कार, डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम ने लेक्चर उसमें दिया था, उसी में ही उसी के आयुर्वेदिक एस्पेक्ट को डॉक्टर शशि शर्मा मैम प्लीज आप कुछ थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर दीपा मिश्रा मैडम शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप प्लीज अपना टॉपिक ले सकते हैं। डॉक्टर शशि शर्मा, देख रहा हूँ मैम को अनम्यूट करना है। किया हुआ है, आप कंटिन्यू करिए मैम। बस ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्लाइड्स मैम शेयर कीजिए सब। यस मैम, हो रही है मैम, शेयर कर दिए है। यस मैम, हो रहा है शेयर, आपका डेस्कटॉप दिख रहा है मैम। ओके, पावर पॉइंट शेयर करिए मैम, अपना पावर पॉइंट आप प्ले करिए। हाँ, मैंने प्ले कर दिया, एक मिनट। मैंने शेयर कर दिया है, वो शो नहीं हो रहा है। मैम पावर पॉइंट आप प्ले कीजिए अपने कंप्यूटर पे। मैंने प्ले कर दिया है, वो यू आर शेयरिंग स्क्रीन आ रहा है उसमें, लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा है। आप अपना जो आपके जूम पर आ रहा होगा उसमें शेयर स्क्रीन का होगा, वहां पर क्लिक कीजिए। वहीं से किया है, वहीं से किया है मैम। आपने मुझे मेल किया हुआ है? हाँ, मेल किया है। ठीक है मैम, हम उसको कर देंगे अभी। अपूर्वा, शुरू कर रही हूँ, आप शुरू करिए।
हाँ मैम आप शुरू कीजिए इतने वो मैम आप कंटिन्यू करिए तो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ मेरा आज मैं प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम को अपना प्यार भरा नमस्कार देना चाहती हूँ। मैडम की जो संतुलित जीवन शैली है ये हम सबको बहुत प्रेरित करती है। आप देख रहे हैं मैडम इस एज में भी दीर्घ आयु और स्वस्थ हैं और आज हमारे बीच में भी हैं और हमको आज भी प्रेरणा दे रही हैं। और जितने भी मेरे सीनियर जूनियर्स हैं मैं सबको हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करती हूँ। आरोग्य भारती के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मेरा आज का विषय जो है वो गर्भ गर्भिणी और गर्भावस्था पे विचार के लिए है। मेरा विषय स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इस समय मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा संबोधन करना चाहती हूँ और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में गर्भ संस्कार के पर अपनी बात कहूंगी। स्लाइड्स शो नहीं हो पा रही है मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम। मैं कर रही हूँ मैम। आप रहने दीजिए मैम, अगर मेल पे पढ़ा होगा मैं कर रहा हूँ। ये वाला हाँ तो मेरे स्लाइड में पहली स्लाइड जो थी वो कर रही थी कि हेल्दी। मैम आपकी स्लाइड नहीं प्ले हो रही मैम, एक सेकंड मैम वेट करिए प्लीज। मैम मैं कर रहा हूँ मैम, प्लीज वेट करिए मैम। ठीक मैम। हाँ तो ठीक है अब मैं कर लूंगी। डॉक्टर अपूर्वा मैम आप नहीं, हम ही आगे बढ़ाएंगे मैम क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं इसको। ठीक डॉक्टर अपूर्वा विजिबल है पावर पॉइंट? हाँ जी हाँ। नेक्स्ट मैम कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट। यस मैम कंटिन्यू करिए। तो मैंने मेरी जो पहली स्लाइड है, एक स्वस्थ जो महिला है वही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है, स्वस्थ परिवार दे सकती है। अगर हम सब स्वस्थ समाज होगा तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर हमें आने जाने पर रोक हो, कहीं डर का भय हो तो फिर हम समाज को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बस आप हाँ, ये जो हमारी संस्कृति है यही हमारी विरासत है। इस महामारी में हमने एक बात बहुत ध्यान से देखी कि हम दोबारा से अपनी संस्कृति की ओर मुड़े हैं। अगर अब हम इस समय वापस मुड़े हैं तो हमें इसको अब अपने जीवन में बनाए रखना है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट गर्भ संस्कार, ये सब मेरा टॉपिक यही है, क्या गर्भ को हम संस्कारित कर सकते हैं, अगर संस्कारित करना है तो कब संस्कारित करें और कैसे करें। हाँ अगर हम चाहें तो गर्भ को संस्कारित कर सकते हैं। जीवन की जो शुरुआत है वो गर्भाधान से हो रही है और हमारे 16 संस्कार तो 40 थे पर प्रचलित अब 16 ही हैं। तो पहला संस्कार यही है गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। तो गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ और गर्भिणी के साथ शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो संबंध स्थापित होता है वही गर्भ संस्कार है। जो माँ और बच्चे के बीच में संवाद हो रहा है वही गर्भ संस्कार है। अब श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान श्रेष्ठ हो तो उसके लिए भावी दंपति का भी तो श्रेष्ठ होना आवश्यक है। अगर माता पिता में कोई संस्कार ही नहीं है तो क्या हम अपनी आगे वाली आने वाली संतति को संस्कारित कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए पहले से भावी माता पिता तो पहले से हमको संस्कारित करना होगा। नेक्स्ट अगर हम अपने संतान को संस्कारित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ दी कपल चाहिए। उसमें क्या है? सकारात्मक चिंतन चाहिए माता पिता का। माता पिता का पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक स्तर दोनों पे। अपने कर्तव्यों का उन्हें बोध होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि माता पिता दोनों वर्किंग है, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बाद में बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये सारी चीजें पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल जो रिश्ते हैं, लेडी प्रेग्नेंट है और जब तक डिलीवरी होती है तब तक उनमें संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये फिर क्या करता है? इससे जो है दोनों तरफ जो है कटुता द्वेष उत्पन्न होता है, जो माँ और बच्चे के लिए बहुत ही आगे चलकर बच्चे के मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब गर्भ संस्कार के अंतर्गत कुछ रिचुअल्स बताए हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, शरीर की शुद्धि के लिए प्योरिफिकेशन बताया है, अब हवन और यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ये डिवाइन गर्भ की हम बात करते हैं। अभी मैडम ने भी बताया कि डिवाइन गर्भ की बात, तो ये सब आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट कल जब मैं स्लाइड्स बना रही थी, बिफोर इससे पहले वाली कल जब मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मेरे मन में ये ध्यान आया
कि हम पुरानी पिक्चर्स तो दिखा रहे हैं, आज के युग में किसको हम श्रेष्ठ माने। तो मेरे मन में ये ध्यान आया, तो मैंने मोदी जी, माननीय मोदी जी को और अपने योगी जी, इन दोनों की फोटो लगाई कि ये दोनों राजयोगी हैं, इनका आहार व्यवहार और जो व्यवहार है वो हम सबके लिए एकदम प्रेरणादायक है। तो मैं इनको भी, तो मैंने इनकी स्लाइड्स ऐड करी, मैं इनको भी नमन करती हूँ, जय हिंद करती हूँ। नेक्स्ट, अब मैंने पीछे वाली, नेक्स्ट, मैंने प्रेगनेंसी जो है बाय चॉइस होनी चाहिए, नॉट बाय चांस। आप देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग भी हमारे पास आते हैं, हम सब क्लिनिशियन हैं, ओपीडी करते हैं, तो देखते हैं लोग क्या कहते हैं, मैडम वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, बताइए क्या करना है। तो प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी बाय चॉइस, प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए। देखिए अनुष्का और विराट को मैंने लगाया है, अब इन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी है, तो ये जो 9 महीने की जर्नी है ये माता पिता दोनों को साथ मिलकर करनी है। ये नहीं कि माता की ही जिम्मेदारी है, माता और पिता दोनों जब इस जर्नी को साथ में करेंगे तभी एक सुख प्रसव होगा और एक सुप्रजा की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब गर्भोत्पत्ति के लिए कौन कौन से घटक द्रव्य हैं जिनकी बहुत जरूरत है, तो इसमें ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम बताया गया। पीछे वाली स्लाइड दिखाइए, पीछे वाली स्लाइड, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम बताया गया है। तो कहा आचार्य शुश्रुत ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम की वजह से ही जैसे धान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जब शुद्ध शुक्र का शुद्ध शोणित के साथ संयोग होता है अविकृत गर्भाशय में तो निश्चित ही गर्भ ठहरता है। नेक्स्ट, इससे पहले वाली स्लाइड थी सौमनस्य गर्भधारणा नाम। मैं इस बात पर बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करना चाहूंगी कि आजकल क्लिनिक ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आईवीएफ को प्रेफर करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में। उनका कहना होता है मैडम हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आईवीएफ ही कराएंगे। आप सोचिए वो कितने मैकेनिकल हो गए हैं, उनका मेंटल स्टेटस जज करिए कि वो नॉर्मल रिलेशंस की बजाय आईवीएफ को प्रेफर कर रहे हैं। तो उनकी फिर आप देखिए सौमनस्य गर्भधारणा नाम में एक बात और आती है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, जिनकी ऑल इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है फिर भी गर्भधारण नहीं करते, तो उसमें जो जो मन की प्रसन्नता है वो भी गर्भधारण करने में एक कारण है। और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो गर्भधारण नहीं होगा, कठिनाई से होगा। तो इसलिए जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमें एक दूसरे पर को समय देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो पाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार इज लाइक एजुकेटिंग द माइंड ऑफ गर्भ। तो गर्भ के माइंड को एजुकेट करने के लिए माता का मन भी तो स्ट्रांग पावरफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे हम आजकल सुबह उठते ही अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, समय समय पे अपने मोबाइल की बैटरी चेक करते हैं, इसी तरह से मन जो है, मन तो आत्मा के साथ ही आ गया था, शुक्र शोणित जीव संयोग, शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ नहीं उत्पन्न होता है, शुक्र शोणित और जीव के संयोग से गर्भ होता है। जब शुक्र शोणित और जीव का संयोग होता है तभी गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो जो गर्भ और गर्भिणी का संवाद है वही गर्भ संस्कार है। माँ और अजन्मे बच्चे में जो एक रिश्ता बना है आपस में बातचीत करने का वही गर्भ संस्कार है। और ये रिश्ता जब माँ ने बच्चे से बनाया है तो उसको 9 महीने उसकी अपने बच्चे की रेगुलर क्लास करनी है, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वेबिनार हो रहा है, इसी प्रकार से माँ को सकारात्मक चिंतन करना है, नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, और तब जाकर हमको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। आप देखते हैं सीमंतोनयन एक संस्कार है जो 6 या 8 महीने में किया जाता है, जिसमें परिवार के और आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया जाता है। उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है एक तो 8वां महीना शुरू हो गया तो सुख प्रसव हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए महिला का मनोबल बढ़ाया जाता है और उसके लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सब लोग मिलके उसको बधाई देते हैं तो उसको अच्छा फील गुड होता है, तो वो फील गुड जो है वो सीमंतोनयन संस्कार है। फिर मन की बैटरी को समय समय पे चार्ज करते रहना, पॉजिटिव इनपुट देते रहना है, जिससे कि बच्चे का मन जो है संस्कारित होता रहे। तो इसके लिए माता के मन में शुभ संकल्प होने चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए,
मन बहुत चंचल है, तो इसको अभ्यास के द्वारा ही हम इसका निरोध कर सकते हैं। तो माता के मन को संस्कारित भी करना है तो उसके लिए परिवार का फुल सपोर्ट चाहिए, समाज का सपोर्ट चाहिए, और जो भी जहां भी वो जा रही है वहां से भी उसको फुल सपोर्ट होनी चाहिए जिससे कि सुख प्रसव हो। अभी मैडम ने कहा कि आजकल सीजर ज्यादा हो रहे हैं, सीजर ज्यादा होने का कारण ये है, हमारी गर्भिणी परिचर्या में बताया गया है 9वें मास में अनुवासन बस्ती का उपयोग बताया गया और कहा गया कि गर्भ के मारक को स्नेहन करने के लिए पिचु का प्रयोग बताया गया, तो जो जो सुख प्रसव के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये नेक्स्ट ये इन टोटल मैंने लिखा है कि इट इज द प्रीनेटल ट्रेनिंग ऑफ द फीटस बाय इंटरेक्शन ऑफ द विद हर अनबॉर्न बेबी। तो इसमें हम बच्चे का आईक्यू ईक्यू सब कुछ बढ़ा सकते हैं अगर माँ चाहे तो। नेक्स्ट इसमें मैंने 3 स्टेजेस बनाई है कि एक पूर्व कर्म है, एक प्रधान कर्म है, एक पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जैसे कि आजकल व्यवहार में प्रचलित है, इसमें आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि गर्भाधान के समय स्त्री का मन जिस किसी प्राणी की ओर आकृष्ट होता है उसी के सदृश संतान होती है, और इसके लिए सौमनस्या गर्भ धारणा नाम भी कहा है। प्रधान कर्म की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आचार्यों ने सामान्य परिचर्या, विशेष परिचर्या, विशिष्ट परिचर्या बताई है, उसमें आहार विहार और विचारों सब पे आचार्यों ने स्ट्रेस दिया है। और आहार में तो आप जानते ही हैं कि दुग्ध का सेवन बहुत ज्यादा बताया, दुग्ध नवनीत घृत मधु कहा है कि इनका सेवन जो है साथ में आहार विहार के साथ समय समय पर अग्नि के अनुसार करना चाहिए। इसी गर्भिणी परिचर्या में आचार्यों ने 2 हृदय का भी वर्णन किया है। तो 2 हृदय क्या है, 5वें महीने में जो मन जो है वो जागृत हो जाता है। जीव के साथ मन तो शुरू में ही आ गया था, शुक्र शोणित जीव संयोग, क्योंकि जीव जो है अकेला नहीं आता है, मन के साथ ही आता है। तो जब गर्भिणी परिचर्या जब 2 हृदय की उत्पत्ति हुई तो जो गर्भ था उसने अपनी भावनाएं माँ के द्वारा प्रकट करी, अपनी इच्छाएं करी। आप कभी कभी देखते हैं कि माँ ऐसी इच्छाएं प्रकट कर देती है जो उसके स्वभाव में नहीं होती, तो उस समय हम समझ सकते हैं ये कि ये जो है गर्भ की इच्छाएं हैं। अगर मान लो उसने कोई अहितकर इच्छा भी व्यक्त करी है तो उसका हितकर पदार्थों के साथ मिलाकर उसको देना चाहिए, उसकी इच्छाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर हम उसकी इच्छाओं का अनादर करेंगे तो उससे गर्भ में विघात हो सकता है, गर्भ में विकृति हो सकती है, गर्भ का नाश हो सकता है। तो माँ की जो गर्भ उपकार भाव बताए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि माँ की इच्छाओं की अवमानना नहीं करनी है। अब डिलीवरी हो गई, मान लीजिए सुख प्रसव हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या गर्भ संस्कार बंद हो जाएगा? नहीं, पश्चात कर्म जो है सूती का काल से लाइफ लॉन्ग, मन जो है संस्कारवान है, इसको हमें समय समय पर जब तक हम इस संसार में है हमको इसको संस्कारित करते रहना है। उसके लिए हमें शुभ चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है और पर चिंतन से थोड़ा दूर रहना है। नेक्स्ट, अब जब माँ और बच्चे में इतना संवाद हो गया है तो जो हमारी ये 9 महीने की जर्नी थी ये बहुत ही सुखद हो जाएगी माँ बच्चे और परिवार के लिए। नेक्स्ट, इतने संवाद होने के बाद बच्चे ने भी अपनी अभिलाषा व्यक्त करी, बच्चे ने भी कहा माँ तुम मुझे इतने अच्छे से पाल रही हो, मेरे ध्यान रख रही हो, मेरे को एक हेल्दी वेल्दी ब्लेस्ड लाइफ दे रही हो, तो आओ माँ इस जर्नी पर हम साथ चलें, लव यू माँ। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। और फिर बच्चे ने माँ से कहा तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है प्यारी माँ। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञानप्रद आपका लेक्चर रहा मैम। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे गर्भिणी परिचर्या की, संस्कार की। मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डॉक्टर अंजना मैम को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अंजना मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए मैम। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। बहुत अच्छा शशि, बहुत बहुत सुंदर तुमने प्रेजेंट किया और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में तुमने बताया कि हमारे आयुर्वेद में कितनी महत्ता दी गई है गर्भ गर्भिणी और गर्भ गर्भिणी और प्रसव के बाद। ऐसे या वैसे भी गर्भ होना अपने आप में जो है एक बहुत सौमनस्य कारण है ही है गर्भवती, और वेदों में बताया भी गया है अगर पुत्रहीन हो तो उसे अशु कहते हैं और जिसका गर्भ गिर जाए उसको अपतोका कहते हैं और जो अप्रसूता हो उसे अभिजाता कहते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये पुत्र होना गर्भ धारण होना ये एक सौभाग्यशाली लक्षणों में आज भी आया है और पहले से आता जा। इसी संदर्भ में गर्भ हो तो वो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और आगे बढ़े। इसी में डॉक्टर दीपा मिश्रा
दिव्या कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर प्रसूति तंत्र विभाग, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज अपने अपने विचार थोड़े शॉर्ट में, कम समय के होने के कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसको जितना शॉर्ट में हो सके रखिए। आप आइए, आपके पास है 7 से 8 मिनट तक है, आप आइए। मैम रिक्वेस्ट करूंगा कि समय का हमको इस समय विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। थोड़ा सा लेट जुड़े थे हम लोग, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ। मैम को अनम्यूट करता हूं। डॉक्टर दीपा मैम प्लीज रेज योर हैंड, तो हमको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मैम यस मैम यस यस मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सबसे पहले बड़ी मैम को प्रणाम करती हूँ और आरोग्य भारती विश्व आयुर्वेद परिषद का मैं आभार प्रकट करती हूँ और अपनी सभी सीनियर्स को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को मैं गुड इवनिंग बोलती हूँ। आज मेरा टॉपिक है जिसमें समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक शुरुआत थोड़ा सा एक स्टोरी से करना चाहती हूँ कि जब गांधारी को गर्भधारण वेद व्यास से उन्हें आशीर्वाद मिला था, पहले गर्भधारण नहीं हो रहा था, फिर उन्हें प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद उनको 2 वर्ष हो गए डिलीवर नहीं हुई, तो उन्होंने फिर उनसे वेद व्यास जी से संपर्क किया तो पता चला कि वो एक, क्योंकि उन्हें एक मांसपिंड एक्सपेल हुआ था तो उन्होंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि उस मांसपिंड को घड़ों में रख दो। 100 घड़ों में उन्हें रखा गया और फिर और घृत पूरित करके उन घड़ों में रखा गया और फिर बाद में आपने पता ही है 2 साल बाद उसमें से 100 कौरवों का जन्म हुआ, एक पुत्री और पुत्र सहित। तो इससे हमें कुछ ये समझ में आता है कि शायद ये आयु जिया और जो बेबी बोर्न हुए, वो जो बेबी बोर्न हुए थे, एक्चुअली आई हैव नो स्लाइड्स सर मैडम, आई हैव नो स्लाइड्स, इसलिए मैं बोलना ही चाहूंगी। अंजना दी ठीक है फिर मेरी कल से कोविड वार्ड में ड्यूटी शुरू है तो उसके लिए भी मैं ब्लेसिंग्स चाहूंगी आपकी सबकी। तो कल हम कोविड वार्ड के अंदर जाएंगे तो मेरी ड्यूटी शुरू है, मेरे को टाइम नहीं मिला। थैंक यू। तो गांधारी का जन्म, ये इस कौरव के जो बर्थ का प्रोसेस है उससे हमें लगता है IUGR हुआ या फिर उसके बाद उन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया, उन्हें वैसा माहौल दिया गया, वैसा एनवायरनमेंट दिया गया जिससे वो परिपोषित हो सके और पूर्ण अपने, इसके बाद तो पता ही है कि कौरव कितने बलशाली थे, वो बलशाली होकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो जो हम बात करते हैं उसमें बहुत सारे गर्भ व्यापद में आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो गर्भशोष आता है, उपविष्टक आता है, नागोदर आता है, उपशुष्क आता है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको IUGR जो इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन से हम जोड़ के देखते हैं तो हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। जो चरक ने चरक संहिता शारीर में चैप्टर 2 में 15th श्लोक है, उन्होंने बताया कि जब आहार मापनोति यदा न गर्भाशोषम समापनोति परिश्रुतम वा, गर्भ को उचित आहार प्राप्त नहीं होता, योनि से स्राव होता है तो गर्भ का शोष हो जाता है, उचित आहार प्राप्त नहीं होता तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो गर्भिणी का पोषण नहीं हो रहा। यही आप सब बता रहे हैं कि गर्भिणी का बहुत अच्छे से परिपोषण होना चाहिए जिससे वो, क्योंकि जो गर्भिणी को पोषण मिलता है वो फीटस को जाता है जिससे उसका पोषण होता है। और इस ऐसे गर्भ को, शुष्क हुए गर्भ को, वर्षों बाद पुष्ट हुए गर्भ को चिरकाल के बाद, बहुत टाइम के बाद वो बर्थ देती है। तो ये उन्होंने चरक ने वर्णन किया। उसी को सुश्रुत ने बताया है कि बाद से आक्रांत होने पर गर्भ शुष्क हो जाता है और मादा की कुक्षी का पूरण नहीं होता, मतलब जो हम मानते हैं कि सिम्फाइजियो बंडल हाइट बढ़नी चाहिए तो वो बढ़ती नहीं है, उसका पूरा पूरण नहीं होता और मंद स्पंदन होता है। और वैसे भी हम लोग जब, आजकल तो नई नई टेक्निक्स आई हैं, हम लोग कार्डियोटोकोग्राफ से देखते हैं तो हमें उसमें बीट टू बीट वेरिएबिलिटी जो मिलती है, जो CTG में हम देखते हैं, तो वो भी हमें 5 beats per minute बीट टू बीट वेरिएबिलिटी मिलती है जबकि नॉर्मल में मोर देन 15 होती है। तो इन्होंने बताया कि हमें मंद स्पंदन होता है। IUGR फीटस है, छोटा फीटस है, वो उसे हमें इसलिए वो कुक्षी का पूरण नहीं करता, ये सुश्रुत ने बताया है अपने चैप्टर 10 में शारीरिक स्थान में।
लेकिन दलहन ने इसको आगे बताया है, दलहन ने बताया कि गर्भ की नाड़ी में रस के वहन न होने से या अल्प वहन होने से गर्भ को पोषण नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। आजकल हम लोग सब यूट्राइन आर्टरी का फ्लो देखते हैं, वेलोसिटी मीटरी होती है, कलर डॉपलर देखते हैं, तो उसमें हम लोग सब देखते हैं यूट्राइन आर्टरी में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि रस वाहिनी जो नाड़ी में रस की वहन ना होने से उसको पोषण नहीं मिल पाता। जब हम बात करते हैं फीटल ग्रोथ की, तो हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट शुरू के 16 वीक में सेलुलर हाइपरप्लेजिया होते हैं, केवल सेल्स के नंबर बढ़ सेल के नंबर बढ़ते हैं। हाइपरप्लेजिया प्लस हाइपरट्रॉफी होती है 16 टू 32 वीक तक। तो इसमें सेल का नंबर बढ़ता ही है फीटस का, और उसके साथ साथ सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। उसके बाद हाइपरट्रॉफी होती है आफ्टर 32 वीक्स टिल टर्म। तो 2/3 ऑफ वेट गेन जो होता है वो 24th वीक के बाद ही होता है फीटस का। और जो IUGR है वो हम दो तरीके के मानते हैं, जिसको हम एसिमेट्रिक और सिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। आप सबको पता होगा, स्टूडेंट्स स्पेशली सुनना चाहेंगे कि जो सिमेट्रिकल IUGR है वो अर्ली ऑनसेट होता है और 20% केसेस ही होते हैं। इसमें हेड सर्कमफेरेंस एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस बराबर होती है और इसके आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स इंट्रिंसिक होते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक IUGR भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, एक क्रोमोसोमल जेनेटिक एनोमली हो गई, तो इसमें टोटल सेल नंबर जो 5 से हो गया। सेलुलर हाइपरप्लेजिया मतलब सेल नंबर ही कम रह गए हैं, सेल साइज इज नॉर्मल। तो ये और ये इसका न्यूनेटल आउटकम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत पुअर डायग्नोसिस होती है। जबकि एसिमेट्रिकल IUGR बाद में होता है, लेटर फेज ऑफ जेस्टेशनल एज में, लेट ऑनसेट इसलिए कहते हैं इसे। और इसके लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसे एक्सट्रिंसिक IUGR भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर से कुछ ऐसी चीजें, जैसे मदर को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, वेस्कुलोपैथी है, रीनल डिजीज है, किसी भी कारण से अगर प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो रही है तो एसिमेट्रिकल IUGR डेवलप हो जाता है। एसिमेट्रिक मतलब पहले तो सेलुलर हाइपरप्लेजी ओवर 16 वीक तक अच्छा सा ग्रो कर रहा है, फिर ऑनवर्ड्स ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका हाइपरट्रॉफी अच्छे से नहीं हो रही। और तब क्या होता है, अगर किसी वजह से प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो रही है तो ब्लड जो है वहां ना पहुंचकर वाइटल ऑर्गन्स, देखिए कुदरत का करिश्मा होता है कि वाइटल ऑर्गन्स को पहुंचाना है, ब्रेन को पहुंचाना है, तो उस साइड तो ब्लड जा रहा है और जो किडनी वगैरह है वहां कम ब्लड जा रहा है। और इसलिए हेड सर्कमफेरेंस इज नॉर्मल और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कम हो जाती है, तो इसमें HCHC रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या कहते इन्होंने ये सारा, इसलिए मैं इसे कोरिलेट करना चाहती हूँ, जो गर्भशोष बताया गया है उसे हम IUGR मान सकते हैं। और IUGR के कारण भी एटियोलॉजी भी यही बताई कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, छोटा माँ छोटा बच्चा, या मेटरनल न्यूट्रिशन होता है जो बताया कि माँ आहार उचित नहीं ले रही, और उसके अपने डिसऑर्डर्स भी हैं लाइक एनीमिया है, हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट में भी चरक ने यही डिस्क्राइब किया कि जो वायु के कारण क्योंकि शुष्कता आई है, तो हमें अब क्या देना है कि हमें ऐसा आहार विहार देना है जो बिंगड़ी हो, यष्टि मधु, काश्मीरी फल, सारिवा, शर्करा, दुग्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और काश्यप ने भी बताया है कि शीर का प्रयोग से गर्भ में दृढ़त्व आता है। तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब मैं बात करूंगी उपविष्टक की। चरक इनका शरीर में जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा है कि यस्य पुनरुष्ण दीक्षणो, मतलब कि गर्भिणी स्त्री अगर उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करती है तो उससे पुष्प दर्शन हो जाता है, पुष्प दर्शन यानी ब्लीडिंग हो जाती है, और अन्य किसी प्रकार का भी स्राव हो जाता है, इससे गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही, उसको ब्लीडिंग हो जा रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो और जो किसी प्रकार का स्राव है वो योनि से किसी और प्रकार का स्राव भी हो सकता है, उस पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, हम ये मान सकते हैं। और इसमें अति काल तक गर्भाशय में वो गर्भ पड़ा रहता है, ये उन्होंने उपविष्टक का वर्णन किया है। तो हम क्योंकि इसमें स्पंदन का वर्णन नहीं किया गया है, तो हम इसको इंट्रायूटराइन डेथ से रिलेट कर सकते हैं। जबकि अष्टांग संग्रहकार ने जो उपविष्टक और उपशुष्क बताया है, उसमें उन्होंने दोनों के सामान्य कारण बताए हैं कि ये 4th मंथ के बाद ही होता है, मतलब संजात सार होने के बाद होता है, और
उस वक्त गर्भिणी स्त्री अगर जो आहार छोड़ने वाले हैं उनको न छोड़े तो योनि से जो हानिकारक है उनको नहीं छोड़ती है तो वो पुष्प दर्शन हो जाता है, वही ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वात पित्त और कफ को लेकर हमारी रसवाह नाड़ियों को प्रतिपीड़ित करती है, मतलब वही है यूट्राइन, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, स्त्री का पोषण नहीं होता, गर्भ का पोषण नहीं होता। और दो मिनट जैसे उन्होंने बताया है कि जैसे नालियों में रुकावट हो जाती है, नालियों में फंस जाते हैं पत्ते, उसी तरीके से ये भी होता है। तो उन्होंने ये उपविष्टक गर्भ का वर्णन किया। उपविष्टक और उपशुष्क में थोड़ा अंतर ये है कि उपविष्टक जो लगता है प्रतीत होता है, उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा रक्तस्राव होता है तो वो परिमाण में न घटता है न बढ़ता है, मतलब IUGR तो है और इन्होंने बताया स्पंदन होता है, मतलब वो प्रमाण में तो घट रहा है लेकिन उतना नहीं घट रहा है, मतलब अभी इस, और इसकी लेटर फेज जो होगी वो उपशुष्क होगी क्योंकि उपशुष्क में ब्लीडिंग ज्यादा बताई है, रक्तस्राव ज्यादा बताया है और परिमाण में वो कुक्षी और कम होती चली जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, स्पंदन दोनों में, इसलिए दोनों IUGR हम मान सकते हैं, एसिमेट्रिकल मान सकते हैं क्योंकि फोर्थ मंथ के बाद की स्थिति है इसलिए इसे एसिमेट्रिकल IUGR मान सकते हैं। और नागोदर चरक ने जो नागोदर बताया है वो उपशुष्क जैसा ही है नागोदर, लेकिन चरक के जो दोनों डिस्क्रिप्शन है पहला उपविष्टक और नागोदर दोनों में ही स्पंदन का वर्णन नहीं है, दोनों ही हमें लगते हैं कि ड्यू टू क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो रहे हैं, इसमें भी जो खाने पीना न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेती, इसने ही द्वेषणी होती है, वात प्रकोपक आहार विहार लेती है, उससे गर्भ शुष्क हो जाता है, अतिकाल तक ठहरता है। अब हम जब अतिकाल तक ठहरने वाली बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता, अष्टांग संग्रहकार ने उपशुष्क उपविष्टक दोनों का टाइम ऑफ डिलीवरी बताया है कि बहुत काल बाद होता है और आपने इन सारी स्थितियों में देखा होगा बहुत काल बाद होता है। और हम ये भी जानते हैं कि IUGR में भी डिलेड हो जाता है, 15% केसेस में देखा जाए डिलेड लेबर होता है। और इनमें सब में जो घृत स्नेह पान का को महत्व दिया गया है, जीवनीय भृंगड़ियां औषधियां मधुर वाधर औषधियों से सिद्ध घृत बताया है, क्षीर बताया है, मांस रस बताया है और आम गर्भ सामान्यम सामान्य वृद्धि कारणम, इसलिए आम गर्भ का पोषण बताया गया। प्रोटीनेशियस डाइट हम लोग वैसे भी प्रोटीनेशियस डाइट ही देते हैं IUGR में, प्रोटीन एमिनो एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं तो वही सेम बताया है। और जो चिकित्सा में बताया उन्होंने कहा भोजन स्नेह पान ये अच्छे से कराना चाहिए, लेकिन अगर ये IUGR उनके डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि उन्होंने ये भी लिखा है यान वाहन की सवारी चिकित्सा में बताया है मार्जन जमवण आदि करना चाहिए, तो जमवण इज फॉर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, भोजन इसलिए अच्छे से देना है कि न्यूट्रिशनल उनकी डिफिशियंसी पूरी हो। और इन सब से भी अगर गर्भ IUGR IUD की तरफ प्रोसीड करने लगे तो यान वाहन इनका सवारी बताया गया है जिससे डिलीवर हो जाए, और IUGR भी डिफिकल्ट टू डिलीवर होता है इसलिए इन्होंने यान वाहन आदि की सवारी बताई हुई है। एक मैं आप बस एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो बताया है कि बहुत डिलेड होता है ऐसा भी देखा गया है। एक होता है लिथोपेडियन जो जिसमें फीटस जो होता है वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में, लेकिन वो डाइट मर्द खत्म हो जाता है और वो इंट्रा यूट्राइन पड़ा रहता है और वर्षों बाद पता चलता है एक्सीडेंटली कि वो लिथोपेडियन स्टेज में मतलब वो कैल्सिफाइड हो जाता है। ये भी कुदरत का करिश्मा है कि वो उसे जो कुदरती तौर पर वहां पर कैल्सिफिकेशन हो जाता है बाहर फीटस के चारों तरफ ताकि वो मदर को इन्फेक्शन से बचाए, वो पड़ा रहता है सालों तक। तो ये भी एक देखा गया है कि लिथोपेडियन एक स्टेज होती है जिसे स्टोन बेबी भी कहते हैं, बहुत रेयर है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी रेयर है, 1 in 11,000 प्रेगनेंसी, उसके बाद ये और रेयर है। 400 ईयर्स के अगर मेडिकल लिटरेचर की बात करें तो ओनली 300 नोन केसेस ऑफ लिथोपेडियन मिले हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो मैं इसको अगर आप कहें तो मैं यहीं खत्म कर दूं। अच्छा मैम, करना पड़ेगा मैम, सॉरी। नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अंजलि एंड ऑल। इसी के नेक्स्ट हम बिल्कुल विदाउट सेकंड हम टाइम वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट बुलाएंगे डॉक्टर भारती कुमार मंगलम। शी इज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन स्त्री एंड प्रसूति NIH जयपुर। उनका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्थानिक चिकित्सा इन गायनी एंड ऑप्स। स्थानिक चिकित्सा के बारे में मैम
क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं साउंड करता है बहुत सारे लोगों को जब हम इसकी बात करते हैं लोकल थेरेपीज में, जो भी जबकि ये बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग एंड सेटिस्फेक्शन आउटकम है इनका योनि व्यापद में स्पेशली, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता है, तो प्लीज आप इसका जरूर से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन करें. डॉक्टर भारती कुमार मंगलम, ओवर टू यू. मैम समय का विषय, यू हैव टू कंक्लूड विद इन 10 मिनट्स मैम. सर मेरा स्क्रीन शेयर करेंगे, अलो करेंगे स्क्रीन शेयरिंग. यस मैम, यू कैन शेयर योर स्क्रीन मैम. सबसे पहले माय प्रणाम्स टू माय बिलव्ड टीचर. मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अच्छा वही मुझे कुछ नहीं दिख रहा था इसलिए. ओके वी कैन स्टार्ट. या सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल into the presentation. My humble pranams to my guru madam Professor Premavati Tiwari ji and all the faculty and the students who are listening to this presentation. I'd like to thank Dr. Anjana Saxena, who is my beloved senior and the organizers of Arogya Bharati. I just quickly finish my presentation. So my topic is sthanik chikitsa in gynecology and obstetrics. This is nothing about the in situ treatments. If you observe in Ayurveda, especially in gynecological disorders and as well as the obstetric disorders, both treatments are described systemic as well as the local treatments. Local treatments are also given the same importance with the systemic treatments. So let us see what these are the diseases quickly I have mentioned here, and I quickly go through. What is in situ? In fact, in situ means in the original place instead of being moved to another place. So it is designed to give controlled therapy or the sustained drug delivery at the site of pathology. So these are the types of sthanik chikitsa. Prakshalana is the most popular. Varthi, Pichu, Lepana, Avachunana, that is, I will go through one by one. Dharana, etc. there. And how these treatments are affecting. If you see the composition of the vaginal mucosa, this is containing three layers. And this structure is very much adaptable for the administration of the local drugs. Coming to the yoni pichu or the vaginal temple, usually in practice we use different materials and the procedure and the indications in classics where the indications are given for the pichu. You can see here guducha, thaila, etc. These are different indications. Research also done with the yoni pichu in our institute for the purpose of the fibroid uterus. Even the fibroid of 5 cm size also with the repeated administration of the pichu, we can conquer the fibroid uterus. We can prevent the woman from the hysterectomy. And even some doctors, they don't have the facility for the uttarvasthi, the sterile labor room or upakram kaksha. Then even you can adopt the yoni pichu, giving regularly for 3 months, except during the menstrual phase. Also useful in relieving the tubal bladder. And even in the obstetrics, we are using K-book tail pichu. It is minimizing the use of the oxytocin injections and the epidocin in our labor room. And coming to the yonivarthi, suppository or the pessary, there are different classics are very much appropriately described treatment where what we have to use. We need not to think so much about how it will work, why we have to explain to the counterpart. Nothing to worry about all those things. Just adopt whatever described in the classics. Only thing is you have to diagnose through the Ayurvedic way and adopt this treatment. Definitely these treatments work. And in the indications, you can see here,
And coming to the this is Sweta Pradhara research done on this Sweta Pradhara with the Nimbadi Yoni Prakshalana and the Nimbadi Yoni Varthi. In this study, Nimbadi Yoni Varthi was found very much useful comparatively with the Nimbadi Yoni Prakshalana in the Leucorrhea. And Dathakyadi Varthi in cases of the vulva vaginitis during the pregnancy, that is Upaplita Yoni Vapar. Better result was observed in trial group A receiving Dathakyadi Varthi, and highly significant it was, p-value. And the next study is the Trifladi Yoni Varthi in the vulva vaginal candidiasis. This study was also found useful in relieving the Candida albicans smear became negative after the treatment, and even symptoms were relieved. And next study, Basant, this is done by the modern people to eliminate the HPV strains from the woman in cases of the early cervical intraepithelial lesions. This is a kind of Yoni Varthi. You can see the ingredients here below highlighted, that is Amlaki, Nimba and Ghritakumari. So this is the power of the Yoni Varthi. Even another the same sub branches of the ICMR and GP Talwar Foundation, these two studies they have carried out. Tablet, this is the vaginal tablet pranin. This is a kind of varthi we consider. See the neem again, sapindus and the mentha citrata they have selected. So 80% clearance of the HPV16 was found. Even with a simple nimba, you can prepare the varthi use in the clinics. And vulva vaginitis during pregnancy studied with the Panchavalkaladi varthi. These are different types of varthis I'm showing you how you can use in different diseases. And Yoni Kalkadharana, this is also useful. Yoni Kalkadharana studied with the Shyama Tribhrutadi Kalka and Bhruti Phala Dviharidra Kalka Yoni Purana in Kaphaja Yoni Vyapar. They have selected these parameters. And total effect of therapy in control group 6.67. And markedly improved in 33. The total efficacy therapy in experimental group is the, I'll show you what is experimental and what is the control group. Experimental group was given Shyama Tirutadi and the control group was the Dviharidra. Bruti Phala Dviharidra Kalka was given for the Kalka Dharana of the Yoni. Next, coming to the Yoni Prakshalana. So you all aware of the Yoni Prakshalana, very popular the procedure in gynec wards of all Ayurvedic colleges. Lot of research also done, even in the CCRS research done in the Siddha Council and as well as Ayurvedic Council. Yoni Prakshalana with the Rikshiri Valkala Kvata and the Yoni Prakshalana with the Simply Haritaki Kvata. And Yoni Dupana, this is one of the effective procedure I can say. Even you can avoid the antibiotics. Usually what the modern people do after the episiotomy or even after the normal delivery, if it is prolonged somewhat, then they will immediately administer the antibiotic. But in case of the episiotomy, in our labor room, we do not use the antibiotics. We just subject the woman for the Yoni Dupana with the Haridra and Gugulu simply. So the patient will get so much relief. And Yoni Purana, filling of the vaginal canal. Yoni Avachurnana, insufflation or dusting. This procedure is also very much useful even in cases of the cervical erosion. And these are the classical indications given. And now the modern people also, they are taking trial. You can see in the slide, spray dried powders enhance the vaginal siRNA delivery by potentially modulating the mucous molecular sieve structure. So we need not think that this dusting, simple dusting of the churnas will work or not. It will definitely work. So these are through interfering through the small interfering RNA delivery providing the promising result according to them. So our churna also will help in sieving through the sieve structure of the, passing through the sieve structure of the mucus layer of the vaginal canal. And Uttarvasthi is another. So important procedure we perform.
So Uttarvasthi also administered in many cases, like the primary dysmenorrhea, commonly we use in the tubal plaque. Even it is working in the primary dysmenorrhea. The most commonly used infertility. These are the different trials. And next is the Kshara-Karma, or the medical cautery. It is far, far better than the cervical cauterization, I can claim. We usually do this Apamarga, Mridukshara, Kshara-Karma in our gynec wards. So this is before the treatment, and this is during the treatment application of the Kshara-Karma. So why these in-situ treatments are important, or sonic chikitsa are important? In the modern system, there are so much trials are taking to evaluate the self-emulsifying drug delivery systems. They are designing novel vaginal delivery systems like called as the seed with the curcumin extract in order to develop a vaginal self-emulsifying delivery system for curcumin. And they have incorporated in oily nano droplets towards mucus interactions and immobilization. So this SEDDS is the self-emulsifying drug delivery system. A study carried out to see how it is binding with the mucus, how permeation is taking place, how spreading the potential of the novel developed formulations compared to the commercially available ointments. The modern system are still trying that to develop the different systems. But we need not to bother about all this research. We have very well classified and well prescribed medications. This can be adopted very well in our routine practice without any hesitation. And no complications will occur with all this. When you are administering the Uttarvasthi, just we have to be very cautious about the different shock conditions or some infections. So this is the SED, how the drug is acting. So with this, I think I can conclude the time. And thank you very much for listening patiently. Thank you, ma'am. Thank you so much. You explained it so well. And I think you explained all the things regarding this sthanik. Dr. Apurva, koi question kisi ke hai kya? Sthanik chikitsa. Dr. Apurva, koi question kisi ke hai chat box? Do questions. ठीक है आप क्वेश्चन क्वेश्चन एक जगह रखिएगा अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर किसी के भी कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो मैडम है जवाब देने के लिए उसका आंसर देंगी आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स अभी हमारे लास्ट कॉलर है उनको ले लें एक बार डॉक्टर सुनीता सुमन यस यस लास्ट स्पीकर यस यस I would like to welcome Dr. Sunita Suman, and she is an associate professor in Department of Stree and Prasuti Tantra in Faculty of Ayurveda in IMS BHU. She has a very relevant topic, aaj ke scenario se related, COVID-19 and antenatal care. It is very important and very relevant in today's world. Iske mere khud personal questions bhi honge kuch that we are facing nowadays. So ma'am, please, aap pehle अपना बोल दीजिए अपना जो भी आपका प्रेजेंटेशन है यू शो इट फर्स्ट एंड देन वी विल हैव द क्वेश्चन आवाज सुन रही है यस मैम यस मैम या सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को आरोग्य भारती के मेरे सभी सीनियर्स और जूनियर्स को नमस्कार और परम पूजनीय मैडम प्रेमवती तिवारी जी को चरणों में सादर प्रणाम सबसे पहले आज जो गर्भिणी परिचर्या मुझे लगता है कि गर्भिणी परिचर्या में सारे ही टॉपिक समाहित हो जाते हैं चाहे गर्भ संस्कार का हो चाहे नागोदर उपविष्टक का हो तो जो गर्भिणी परिचर्या है वो ये नहीं है कि हम गर्भिणी परिचर्या यानी कि हम जब गर्भ ठहरता है तभी से उसकी देखभाल करें बल्कि यह इसमें तो प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग भी इन्वॉल्व है जो कि आचार्यों ने बताया है कि गर्भ के लिए जो है एक जो है जो योग्य आयु बताई है जो मैरिज की एक योग्य है विवाह की एक योग्य आयु है वो जरूर होनी चाहिए उसके साथ ही जो है हमारा खान पान किस प्रकार का है आहार विहार कैसा है वो अगर हमारा न्यूट्रिशंस है बैलेंस्ड डाइट है उचित आहार विहार है तो वो शुक्र शोणित जो कि शुद्ध शुक्र और शुक्र शोणित जब संयोग होता है तो उसी से गर्भ का निर्माण होता है तो वही शुद्धता लाता है तो इसीलिए बिल्कुल प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग के साथ ही अब मैं गर्भिणी परिचर्या पर अगर आती हूँ
तो सबसे पहले क्या है कि जब गर्भावस्था जो एक बहुत ही नाजुक अवस्था है और आचार्यों ने इसको जो है एक तेल के पात्र की तरह कहा है कि यदि जरा सा भी तेल उस पात्र से गिरता है तो जो है वो अबॉर्शन गर्भपात हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं गर्भावस्था में, जो कि एक जैविक और रासायनिक बदलाव होते हैं, व्यवहारिक बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से जो गर्भावस्था के समय गर्भिणी लेडी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी आ सकती है, कभी वो प्रसन्न हो सकती है और कभी वो जो है क्रोध भी कर सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है थोड़ा सा ये जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेज वैसे भी हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इसके लिए यदि हम आगे जाते हैं तो आगे जाते हैं तो जैसे कि हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि कोई भी अगर किसी भी तरह के डिसऑर्डर होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो ऐसे में क्या है कि जो दोष हैं, जो दूष्य हैं, वो कॉमन मैन की तरह ही होते हैं, सब सेम होते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है या आहार विहार है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, आचार्यों ने जो है बहुत अच्छे से एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बताया, जिसको कि हम गर्भिणी परिचर्या के नाम से जानते हैं। और ये गर्भिणी परिचर्या किस लिए, क्या बेनिफिट होगी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ द फीटस और ग्रोथ में जो है गर्भिणी परिचर्या का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इतनी मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है, फीटल मॉर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, तो इन सब को जो है रिड्यूस, इनके रिडक्शन में भी जो है गर्भिणी परिचर्या एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। जो प्रेगनेंसी और लेबर के समय पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उपद्रव होते हैं, तो उसमें भी जो है गर्भिणी परिचर्या का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक गर्भिणी परिचर्या के का एक ये रोल भी है कि जब गर्भावस्था के समय जो डर है, जो एंजाइटी है, उसको भी कम करते हैं। यदि हम अच्छा आहार ले रहे हैं तो वो क्या है कि मन की प्रसन्नता करता है, मन की प्रसन्नता होगी तो वो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करेंगे और बीपी है और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी कम करता है। तो इसके लिए जो भी हम आहार ले रहे हैं तो इसको हम वैसे तीन तरह से हम देख सकते हैं कि आहार है, विहार है जो कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, और आचार्यों ने इसके साथ एक औषध भी बताया जो कि हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो आयुर्वेद के हैं बहुत मतलब अभी मैं दो चार औषधियों के नाम बताऊंगी तो बेनिफिशियल होगा। आहार का क्या है कि जो अगर हम होल सम डाइट ले रहे हैं तो वह प्रतिरक्षा अभिवृद्धि करती है, यानी कि इम्यूनो बूस्टर होती है, और साथ साथ जो आहार रस है वो डेवलपमेंट ऑफ द फीटस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और यदि एक्सपेक्टेंट मदर है तो उसको भी नरिशमेंट देता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क स्तन्य का निर्माण करता है। और यदि जैसे कि दो हृदय की बात आई तो उसमें हम कहते हैं अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है फीटस, तो इसमें एक बहुत सामान्य सी बात हम देख सकते हैं कि यदि हम उचित आहार विहार नहीं ले रहे हैं, किसी भी हमारे न्यूट्रिएंट की या मिनरल्स की अगर उसमें कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या है कि मदर का वही खाने की इच्छा होती है, फीटस की भी वही है कि क्योंकि उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट पे भी है, इसलिए IUGR की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में वो बहुत सारी इच्छाएं भी व्यक्त होने लगती हैं। यदि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आचार्यों ने आहार का वर्णन किया तो उन्होंने दूध का बताया, मधुर औषधियों का बताया और कहा कि शीत द्रव प्राय आहार। तो ऐसा आहार का उन्होंने क्यों वर्णन किया, क्योंकि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो जो हमारी हॉर्मोन्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होते हैं, उनके कारण जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे माइनर कॉम्प्लिकेशंस, माइनर एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, तो ऐसी वॉमिटिंग अगर हो रही है तो क्या है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम द्रव ले रहे हैं, लिक्विड प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। जो दुग्ध है वो तो खुद ही अपने में संपूर्ण आहार है, तो ऐसी स्थिति में यदि दुग्ध ले रहे हैं, सारे हमें न्यूट्रिशंस, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ये तो सब मिल ही रहा है, लेकिन व्रंगण का काम भी कर रहे हैं, व्रंगण यानी कि जो कि डेवलपमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे कि हमारा जो बताया गया है और मैंने देखा भी है कि जब हम ये गर्भिणी परिचर्या पेशेंट्स में अपने में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि बहुत अच्छा जो है एक वेट जो होता है बेबी का या अपगार जो होता है वो बहुत अच्छा देखा गया है और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत कम पाए गए हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है उन्होंने कहा कि शीर नवनीत शीर सर्पी मधुर औषध सिद्धम षष्टिक औदनम पयो नवनीत संश्लिष्टम। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप दुग्ध कर रहे हैं नवनीत यानी कि मक्खन कर रहे हैं निकाला हुआ घृत का सेवन कर रहे हैं मधुर औषधियों का है या फिर षष्टिक चावल है या मांस रस का प्रयोग कर रहे हैं, मांस रस यानी कि प्रोटीन रिच डाइट, अगर कोई ये है कि नॉन वेज नहीं लेता है वेजिटेरियन है तो वो अदर प्रोटीन रिच डाइट है पनीर है टोफू है ये सारी चीजें ले सकते हैं, राजमा है बहुत सारी प्रोटीन रिच डाइट है तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें जितनी भी मैटरनल प्रोटीन डिमांड है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा है जो कि गर्भ की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्राइमेस्टर होता है। सातवें महीने तक तो कहा है कि पूर्ण अंग प्रत्यंगों का जो है वो निर्माण हो जाता है, तो ऐसे में क्या है कि ये सारा आहार जो है वो एक डेवलपमेंट में बहुत प्ले करेगा एक रोल। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर का हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि सर पे पृथक पड़ने में क्योंकि न्यूट्रिशन अब देना है हमें, उसके सारे अंग प्रत्यंगों का निर्माण हो गया पूरा न्यूट्रिशन देना है, आगे जो है उसको जो ओज है उसको भी हमें मेंटेन करना है। ओज का मतलब यहाँ पर हम रेस्पिरेशन से भी ले सकते हैं क्योंकि 8 months में देखा गया यदि डिलीवरी होती है तो जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में तो वहां पर भी हम ले सकते हैं। और शीर यवागु सर्पिष्मति स्निग्धो मांस औदनम, उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है क्योंकि सब तो जब फीटस जो है वो अपनी डिमांड पूरी कर लेता है उसके बाद अगर प्रेग्नेंट लेडी अच्छा आहार नहीं ले रही है तो उसमें ये जो है दिखता है। फिर अगर हम विहार की बात करते हैं तो बहुत सारी गाइडलाइंस आचार्यों ने बताई कि अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने अनब्रोकन ऑर्नामेंट्स ताकि कोई इंजरी ना हो, अच्छी स्लीप लें, एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका अवॉइड करें क्योंकि बहुत सारे चांस हैं कि अगर विग्रसली हो रहा है या कुछ इंजरी होने से जो है गर्भपात की कंडीशन आ सकती है। और जब उन्होंने गर्भिणी स्नान बताया तो उन्होंने बहुत ये कहा कि सर्व गंध ड्रग जो है या फिर वात शामक ड्रग है उनसे लें क्योंकि वात की अधिकता प्रेगनेंसी में अधिक हो जाती है। तो किस तरह का साइकोलॉजिकल स्टेटस और इमोशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए हेल्दी मदर के लिए, एक तो प्लीजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो हस्बैंड का बिहेवियर है या और फैमिली मेंबर्स है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है डोमेस्टिक वायलेंस की जो है केसेज आते हैं आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और यदि हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आचार्यों ने भी कहा है और ये बहुत मतलब देखा गया है कि क्रोध भय शंका जो है दुर्गंध चीजें जो है उनका जो है परिहार मतलब कि उनको छोड़ देना चाहिए। और यदि एंजाइटी एंगर सोरो ये सारी जो है कि कोई भी है कि क्रोध कर रहे हैं कोई भय है कोई डर है या फिर बहुत ज्यादा विग्रस जो हम स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो हॉर्मोन्स लेवल है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन फीटल कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से अबॉर्शन है। जो कंडीशंस हैं तो वो क्या करेंगे कि यूटीआई लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब आते हैं हम कोविड पे, कोविड-19 इन्फेक्शन पे कोरोना वायरस एक मैम टाइम को शॉर्टेज मैम 2 मिनट में कंक्लूड करिए मैम क्योंकि 5 बजे से दूसरा प्रोग्राम होना है मैम। ओके तो सबसे पहले यदि हम कहें कि कोविड का जो है इसमें मैं केवल ये प्रिकॉशंस तो आजकल सभी जान रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ केसों में क्या है कि अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है तो उसमें प्री टर्म लेबर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या एबनॉर्मल जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हार्ट साउंड जो है पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो
इसमें क्या है कि जब कोई भी है, अगर मॉडरेट और सीवियर सिम्टोमेटिक प्रेग्नेंट वुमेन है कोविड की, तो उसमें तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही करना है। यदि हेल्दी हैं और माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है गर्भिणी परिचर्या हमारी पहले से ही जो है वो सारे अगर देखा जाए तो ये सारी फुलफिल करती है, जो डिमांड्स बताई गई हैं, जो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है उसको फुलफिल कर रही है। यदि पेशेंट जो है टच में नहीं आई है या कुछ आई है, तो उसको अपना जो है क्राउड में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे एंटीनेटल जो चेक करनी चाहिए, क्लीनिंग के लिए प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स जो है वो नीम सोप से कर सकते हैं। घृत कुमारी जेल है, हल्दी है, नीम है, इनका हम यूज कर सकते हैं। यदि डेली बात है तो उसमें हरिद्रा नीम और गुलाब दल जो है वो डालकर, जो कि जंतुघ्न है, त्वग दोष हर है, औषधि है, तो इनको डालकर जो है वो स्नान किया जा सकता है। डेली हाइजीन है, डेंटल हाइजीन है, वो सरसप तेल और सैंधव लवण से जो है वो उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। और यदि रेजिडेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है तो वहां पर यव है, सरसप बीज है, इनका जो है वो धूपन कर्म किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है कोविड से बचा जा सकता है। और तो सारा बताया ही गया है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। औषधियों में अगर हम यहाँ के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो कुछ ऐसी औषधियां जो कि सेफ हैं और इस टाइम पर जो है, जैसे अगर कुछ भी है तो लवंग आदि वटी है वो च्यूट की जा सकती है, कास है माइल्ड, या सितोपल आदि चूर्ण है, या पटोल पत्र है, नीम पत्र है, वो स्किन डिसीज में किक्किस है, किक्किस एक गर्भिणी में बहुत बड़ा वो होता है कि इचिंग शुरू हो जाती है तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें पटोल पत्र और नीम पत्र का जो है वो लेप किया जा सकता है। और यदि हम देखें तो आजकल गुडुची का तो बहुत रोल चल रहा है, तो गुडुची जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो है क्या करेगा कि इंक्रीजेस नेचुरल किलर सेल्स जो है उनको इंक्रीज करता है, और उसमें जो है फिर जो गुडुची है एक इम्यूनो बूस्टिंग का भी काम करता है। वृद्ध एला है ये, क्योंकि सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी में, इसलिए मैं बता रही हूँ, जो कि हमारे रसोई घर में ही इन्वॉल्व है। लॉकडाउन में या कहीं भी क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स नहीं मिल पा रही थी या नहीं मिल पाती है, तो हम इनका यूज कर सकते हैं, जो कि दीपन पाचन का काम करेगी। मखाना घर में है, जो व्रंगण का काम करेगा, प्रोजेस्ट्रोन को बढ़ाएगा, और कैल्शियम और आयरन फॉस्फोरस का एक गुड सोर्स है। यदि हम देखते हैं तो लेबर और इसके साथ साथ हम योगासन और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम समय की कमी के कारण मैम क्या है ना कि अगला प्रोग्राम है और जहाँ पे लाइव हो रहा है फेसबुक पे लाइव, अभी दूसरा प्रोग्राम चलना है 5 बजे से, तो इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग ज्ञान के सागर हैं, आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन समय की बाउंडेशन है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई स्टार्टिंग में, इसलिए लेट हो गए हम। मैं बुलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर नवीन जोशी सर को। डॉक्टर नवीन जोशी सर क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर नवीन जोशी सर, यस सर, थैंक यू डॉक्टर अवनीश जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्रोग्राम 5 से 7 मिनट लेट शुरू हुआ, एक्चुअली वो आईडी जो है वो बदल गई थी। एक्चुअली जूम में अगर हम कोई आईडी चेंज करते हैं तो सारी आईडी चेंज हो जाती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर लगभग लगातार मैं देख रहा था 150 पार्टिसिपेंट्स ये पूरे वेबिनार को ऑब्जर्व कर रहे थे, और मैं सभी हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी जो नाम चीन है, जो गायनी की प्रेमवती तिवारी मैडम से लेकर के डॉक्टर द्विवेदी जैसी जो गर्भा उस पे जो गर्भिणी चर्या पे इतनी बढ़िया, और उस पे संस्कार पे इतना बढ़िया लेक्चर्स हमारे आयुष दर्पण चैनल पे, मैम आप लोगों को बताना चाहेंगे करीब 35,000 to 40,000 व्यूअर्स जो हैं वो एक्टिव व्यूअर्स हैं, जिनमें से 150 लोग तो फेसबुक पे कंटिन्यू देख रहे थे, और यहाँ जूम पे भी लगभग 60 से 70 लोग ज्वाइन हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा। मैं अवनीश भूषण पांडे जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया, और बिना किसी टेक्निकल ग्लिच का ये कार्यक्रम पूरी तरह से लगभग ये 2 घंटे से ऊपर, 2.5 घंटे ये चला। मैं आप सभी का आयुष दर्पण जनरल की तरफ से आभारी हूँ, और कोई भी इस प्रकार के एकेडमिक इवेंट को हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद अवनीश जी। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम से निवेदन करता हूँ कि मैम इन ब्रीफ
दो मिनट के अंदर आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि कार्यक्रम को आप ही ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत ही कम समय में आपने इतने बड़े कार्यक्रम को, जो कि महिला स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी आपने मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैम दो मिनट में संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के बारे में, समापन के बारे में आप कहें, फिर इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी सर को बुलाना चाहूंगा, मैम के पश्चात सर आप। यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आवाज आई? यस मैम, मेरी आवाज। सबसे पहले जब मैं सर नवीन जोशी सर का, डॉक्टर नवीन जोशी सर का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के हैं, और दूसरी बात सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को प्रोवाइड किया, स्पेशली प्रसूति विभाग के लिए दिया, और आपके माध्यम से दिया, हम उनके आभारी हैं। और कुछ लोग जो हमारे पीएच पांडे सर हैं, हमारे सीनियर बीएम बॉस सर हैं, और हमारे साथ के डॉक्टर अतुल वाशरा जी हैं, इन लोगों को मैं अपना आभार व्यक्त करना भूल गई थी, इसलिए मैं इनको अपना आभार देती हूँ, उनका स्वागत है, इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए समय दिया। और आप जानते हैं कि हम लोगों की यही कोशिश रहती है, और हम शुरू से ये कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अगर थोड़ा सा भी काम करें तो वो हमारे जन 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 में काम आए, हमारी महिलाओं में काम आए। और यही कारण है कि हम लोग हंडिया से होते हुए अपने समय वाराणसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, और हम एकदम रूट वैल्यू पे काम कर रहे हैं। उत्तर बस्ती है, चाहे पिचू हो, या हमारा स्थानीय चिकित्सा हो, या हमारा ANC हो, यहाँ तक कि हम यहाँ अपने अपने पेशेंट के लिए डिलीवरी भी करा रहे हैं, सीजन भी करा रहे हैं, लेकिन हम आज भी यही कहते हैं, आज प्रबोधन से कहते हैं कि हम आयुर्वेद के हैं और हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, और आयुर्वेद के ऊपर ही हमें पूरी तरह से निर्भर हो जाना है। लोग कहते हैं ना कि शल्य और प्रसूति तो आयुर्वेद का नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने जो अपने अपने अनुभव के हिसाब से 24-25 साल के अनुभव के हिसाब से देखा, तो मैं मुझे लगता है कि 98% तक हम लोग आयुर्वेद की थेरेपी को यूज कर सकते हैं। हाँ, 2-3% ऐसी ड्रग हैं जिनके सहारे हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम हार्मोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीवरी एकदम नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन सीजन में हमें मॉडर्न का ही लेना पड़ेगा। लेकिन हम मॉडर्न उसको माने क्यों? क्योंकि हमारा तो उदर पाटन हमारी अपनी शैली में लिखा है, हमारे सुश्रु जी ने लिखा है, तो हमने इसीलिए गर्भ संस्कार से शुरू किया। गर्भ संस्कार से लेके कैसे गर्भिणी, और उसके बाद गर्भिणी के दोष, और फिर हमारा COVID-19, कैसे कैसे हम हर स्टेप पे अपने अपने बेबी को और अपनी मदर को सेव करते जाएं, कैसे बचाते जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए सूतिका और सूतिका काल के बारे में हमारे टॉपिक्स तैयार हैं, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आगे समय मिलेगा तो हम उसको भी आपके सामने जरूर व्यक्त करेंगे, और हम आपसे फिर से पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमें समय दिया, और आगे भी हम आपसे समय मांगेंगे। एक मेरा छोटा सा निवेदन है तिवारी मैम से, मैडम हम आपके आप बातें सुनने के लिए एक वेबिनार चलाना चाहते हैं कि आप चाहे महीने में या 15 दिन में, 10 दिन में, अपने सुविधा अनुसार हम लोग को 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट का एक अपने आप वाक्य से हम लोग को हमको हमेशा कन्फर्म करिए मैडम, हम लोग को आशीर्वाद बनाए रखिए। ये हमारी अंतर इच्छा है, और मेरे हिसाब से मेरे सभी लोग की जो इस वेबिनार में उपस्थित है सब चाहते होंगे, तो हम आपको 15 दिन में फिर एक बार डिस्टर्ब करेंगे और इसी मंच के माध्यम से कहेंगे कि मैडम आप अपने आप वाक्य रखिए। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, चरण स्पर्श मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगले रविवार डॉक्टर रुचि मैम ने हमको ज्वाइन किया है, और बाल रोग विशेषज्ञों की एक टीम जो है बाल रोग पे, पीडियाट्रिक्स पे हम लोग एक वेबिनार करने जा रहे हैं। मैं इसीलिए पूर्व में आपको बता रहा हूँ इस बात को कि बहुत अच्छा एक वेबिनार होने जा रहा है, बच्चों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, स्वर्ण प्राशन पे, इन सब बातों पे हम लोग एक वेबिनार करेंगे। मैं कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि मैम आपका सूतिका पे मैंने आपने बताया कि तैयार किया हुआ था, मैं नवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का लेक्चर कभी न कभी आयुष दर्पण के पोर्टल पे लाइव जरूर चलेगा, मैं ऐसा निवेदन करता हूँ सर से। हम आपको सुनना जरूर चाहेंगे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर GP अवस्थी सर, डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी सर, जो विभाग प्रमुख हैं विंध्याचल मंडल के, सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और शांति मंत्र के लिए, इसके पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा होगी। डॉक्टर GP अवस्थी सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोविड हेल्थ इन करंट सिनेरियो सब्जेक्ट को लेकर के आज का ये बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा, और इस कार्यक्रम के संयोजन में बड़ा परिश्रम लगता है, और एक लंबी श्रृंखला थी वक्ताओं की, उसमें डॉक्टर अपूर्वा का संचालन, काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील वसु, हमारे
आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी और वक्ताओं में डॉक्टर अंजना सक्सेना, डॉक्टर सीमा द्विवेदी, सबसे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रेमावती तिवारी जी, जिनको सुनने के लिए मैं भी शुरू से अंत तक यद्यपि कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद भी सुनता रहा अपने हेडफोन से, और इसी क्रम में डॉक्टर दीपा मिश्रा, डॉक्टर शशि शर्मा, डॉक्टर भारती कुमार मंगलम, डॉक्टर सुमन सुनीता सुमन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, जो कि इस कार्य के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हो रहे हैं। ये आपदा में आपदा को, ये संभावनाओं में आपदा को सुअवसर में बदलने में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। और इतने सभी लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना और अच्छे कार्यक्रम को समय के सीमा में संचालित करना, ये डॉक्टर अवनीश निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं वक्ताओं के साथ अगर उनको आभार नहीं ज्ञापित करूंगा जो उनको स्क्रीन पर दिखाई पड़े हैं, और मैं अपने जानकारी में जैसा कि मुझे है कि 325 ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। और जिन लोगों को मैंने स्क्रीन पे देखा, डॉक्टर अभय तिवारी, डॉक्टर रामनिहोर तपसी, डॉक्टर ब्रिजमोहन मिश्र, डॉक्टर संगीता गहलोत जो बीएचयू की हैं, डॉक्टर विनोद गौड़ लखनऊ के, डॉक्टर कंचन गुप्ता वाराणसी, डॉक्टर भावना द्विवेदी ये क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी वाराणसी की, डॉक्टर के द्विवेदी, डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर एस एस वेदार ये गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मुजफ्फरनगर के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर पी एस पांडे प्रयागराज, और डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय ये भी इस लॉकडाउन में इनके एक क्रम चल रहे हैं वेबिनार के, डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय जी के प्रति, और वो स्क्रीन पर दिखाई पड़े, डॉक्टर नीलम गुप्ता वाराणसी से, इन सब के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बहुत बड़े वक्ताओं की श्रृंखला थी और बहुत कम समय में ये संपादित हो गया, यह इसके लिए अवनी जी को एक बार फिर से मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और उनके इस ऊर्जाशील व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आइए शांति पाठ के लिए, ओम द्यो हो शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेधि यतो यतः चमीह चेततो नो अभयान् कुरु शान्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः शांति शांति सुशान्तिर्भवतु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श यथावत, धन्यवाद।